empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Patience.
I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.
माय गॉड ये क्या हो गया, रुको गाइस, लॉल हो गया, लॉल, ठीक है। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम के अंदर ऑफ एटॉमिक इन्विटेशनल स्क्रीम्स, सॉरी इन्विटेशनल नहीं एक्चुअली, सो एटॉमिक स्क्रीम्स के अंदर। सो आज बात करी जाए तो हमारे जो मेंबर्स हैं फिलहाल, जैसा कि अपडेट आपको देखने के लिए मिला, 64 प्लेयर्स की जो लॉबी बनती आपको दिखाई देने वाली है, बट फिलहाल के लिए लॉल आई डिडंट स्टार्ट। देखो स्ट्रीम शुरू करी नहीं मैंने और मैं बोल रहा हूँ भाई भाई दिमाग ख़राब हो रहा है आज तो भाई। अच्छा मैं बताना चाहता हूँ कि आज 60 जो अपडेट आया उसमें ये सीन है कि 64 की लॉबी आपके समक्ष देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है, बट फिलहाल के लिए प्लेयर्स जो हैं 55 ज्वाइन करें एंड 15 टीम्स आपके समक्ष ज्वाइन करती हुई दिखाई देने वाली। टीम सिंक्रोनाइज, एक पूरे के पूरे मैच की चारों प्लेयर्स ने स्लॉट वेस्ट करी है, एटलीस्ट दो तीन प्लेयर भी नहीं आए, सो नेक्स्ट मैच का उनको बैन देने वाले हैं हम। एंड उससे अगले मैच में कोई आना चाहता है, कोई टीम जिसके चार प्लेयर्स अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ आप क्वायरी में जाके अपने टीम का रोस्टर नेम एंड लिख सकते हो सब कुछ, बट फिलहाल के लिए प्लेयर्स 55 है। देखने वाली बात रहेगी लास्ट जोन के कितनी इंटेंसिटी बचती है या फिर नहीं, क्योंकि 64 प्लेयर्स आर स्टिल, मतलब ऐसे मतलब जो कर दिया इन्होंने चेंज थोड़ा सा, तो उसमें 64 प्लेयर्स हैं, तो उस हिसाब से मे बी मतलब जो बंदे कम बचे लास्ट में, बट फिलहाल अगर बंदे अपने जो होल्ड करके खेलें, अपने जो प्लेयर्स हैं थोड़ा अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ खेलें, थोड़ा होल्ड कर करके खेलें, तो मे भी कुछ इंटेंसिटी बच सकती है लास्ट मैचेस के अंदर। बट फॉर नाउ एक जो प्लेन पाथ था हमें वो आपके समक्ष देखने के लिए शुरू से मिल रहा है, रोजोक से होता हुआ जा रहा है, प्रिमोस्क से गुजरता हुआ टुवर्ड्स द स्टेलबर देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है। टीम्स काफ़ी उतरी जरूर से, एक जॉर्जो पोल की बात कर जाए तो जैसा कि आपको पता है टीम ब्लीज, टीम U4G एंड टीम नंबर 14 यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है। रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, फन स्क्रीम्स टुडे आफ्टर एटम्स कस्टम, यस यस यस, हिटमैन के स्ट्रीम पे चले जाना गाइस, फन स्क्रीम्स होने वाली हैं आज मेरे जो स्क्रीम्स के बाद एलिमिनेशन राउंड के बाद, तो फटाफट से चले जाना ठीक है, एलिमिनेशन राउंड के बाद करना हिटमैन, पहले मत करना। दे रिड्यूस प्लेयर फॉर कस्टम्स, यस आई नो ब्रो, उन्होंने कर दिया, हिटमैन स्क्रीम्स आर एटॉमिक स्क्रीम्स, अरे अरे और फिलहाल के लिए जो प्लेयर्स यहाँ पे उतरे हैं टीम हमारी ब्लीज के वो देखने के लिए ज़रूर से मिलने वाली है, बट टीम ब्लीज हमें देख, हाँ टीम ब्लीज हमें देखने के लिए मिल रही है ऑन द टीम नंबर 13। सो नो नेक्स्ट जन, नो बजरंग दल, ओनली आईब्रो, अरे भाई 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 जॉर्ड लेवल और वॉट यार। ओके सो प्लेयर्स यहाँ पे उतरे जरूर से, अभी तक इनकी फाइट इंगेज नहीं हुई है। U4G की बात करिए, वो थोड़ा सा अलग एंगल पे उतरते हुए दिखाई देने वाले इस मैच के अंदर, तो एक जो तीन प्लेयर हैं वो हॉस्पिटल के इलाके की तरफ उतरे हैं, बाकी के प्लेयर्स जो है वो एक जो सोलो प्लेयर है 420 OP वो मेरे को जो एक कंपाउंड्स में देखने के लिए मिल रहा है, जो सोलो कंपाउंड रहते हैं बट हॉस्पिटल में नहीं है एक्चुअली, जो बाकी के प्लेयर है वो एक हॉस्पिटल के पास जो एक स्क्वाड हाउस रहता है उधर की तरफ लूटते हुए दिखाई देने वाले हैं, बट फिलहाल टीम नंबर 14 के वो प्लेयर के द्वारा वो प्लेयर को स्पॉट करा गया है टीम U4G के, एंड थोड़ी सी दिक्कतें जरूर से क्रिएट करना चाहेंगे। एक बार ये बता दो कि स्ट्रीम अच्छी चल रही है ना, मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही अभी फिलहाल के लिए, अगर स्ट्रीम मतलब गजब चल रही है ना यार बता दो, क्योंकि पहले पहले शुरू में वो थोड़ा सा सीन पड़ गया था, बट अभी तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, अभी तो बिल्कुल थोड़ा सेट हो जाना चाहिए सारा सामान वान। ओके सो गाइस, वही टीम रजिस्टर कर सकती हैं जिनके चारों प्लेयर्स अवेलेबल है खेलने के लिए, ठीक है गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तीन प्लेयर भी आएँ, क्योंकि देखो 64 की लॉबी है, अगर 64 प्लेयर्स ही ना आए लॉबी में तो कैसे मज़ा ही नहीं आएगा यार लॉबी में, तो फिर इसलिए अभी जैसे 55 प्लेयर्स आए हैं तो इसमें कोई मतलब अभी दिक्कत ही नहीं है यार, 16 टीम्स आनी है तो 16 टीम के चारों चारों प्लेयर्स आने चाहिए, वो भी एक होल्ड करके खेलना चाहिए आपको, कि जैसा कि एक हिसाब से जो इंटेंसिटी है लास्ट मैचेस की वो बची रही, बट फिलहाल यहाँ पे जो है एक फाइटिंग एज होती हुई दिखाई देने वाली है, कहाँ पे है बट ये फाइट। ओके सो मिलिट्री बेस के अंदर ये इलाका देखने के लिए जरूर से मिलने वाला। टीम नंबर 2 की बात कर जाए, टीम ओथ स्पोर्ट्स की बात कर जाए, वो यहाँ पे एलिमिनेट जरूर से हो जाएगी, तीनों प्लेयर्स यहाँ पे जो है पूरे के पूरे एलिमिनेट हो चुके हैं बाद टीम हमारी जो है टीम नंबर 12 की बात कर जाए, टीम S4M के द्वारा एक प्लेयर अभी भी जो इनका उनको कैजुअलिटी जरूर से मिल चुकी है, डिओक्सी आई थिंक सो उनको कैजुअलिटी मिल चुकी है, लॉकी खेल रहे हैं, पेट्रॉइड खेल रहे हैं, आलू वाला यहाँ पे खेलते हुए दिखाई जरूर से देने वाले, ये प्लेयर्स मिलिट्री का एरिया लूटते हुए दिखाई देने वाले। बजरंग दल की टीम की कर जाए गाइस, प्लीज नेक्स्ट मैच चार प्लेयर्स ज्वाइन करना, वरना आपको पता ही है बैन मिलेगा, सो क्योंकि अभी टीम्स कम ज्वाइन होती है 16 टीम्स, सो बाकी टीम्स जो है जहाँ पे 23 टीम आती थी एंड उनको अभी स्लॉट नहीं मिले, सो उनको भी मौका देना है, तो इसलिए जितने चार प्लेयर्स आए आपके अगले मैच में लेके आना, वरना यू नो बैन मिलेगा। सो ओके
यहाँ पे यशोदे के निकले जरूर से मिलने वाले हैं आपको, लेके चलते हैं हमारे यासना यहाँ पे वाले आना की तरफ, बिकॉज वहाँ पे एक टीम उतरती हुई दिखाई जरूर से देने वाली है हमको, जो है टीम हमारी ट्राई हार्ड। जी हाँ, ट्राई हार्ड की टीम ट्राई हार्ड वॉइड यहाँ पे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हमारे साथ डाकू आ चुके हैं, हरिशम एंड एलिक्सर ओपी यहाँ पे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। चारों प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रहे विद दैट जीरो किल पॉइंट एंड जीरो कैजुअलिटी। 10 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो फॉर द 10 लाइक्स गाइस। जिन लोगों ने भी अभी तक जो लाइक नहीं करा, फटाफट से जो एक लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, 10 लाइक्स का जो गोल है वो कंप्लीट करवा दीजिए। कंग्रेचुलेशन क्यूजी, डोंट चेंज योर गोल फॉर आई नीड एनसी फॉर ग्रेट ओपनिंग। ओके ब्रो, आई ऑल्सो नीड, गिव मी स्पॉन्सर मी। सब भूखे नंगे बैठे भाई इधर, ठीक है। ओके, सो टीम ऑपरेसिव की बात करें, जैसा कि वो एक स्प्लिट ड्रॉप खेलते हुए दिखाई देते हैं मेरे को हर मैच में, एंड अभी फिलहाल वो खेलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, एंड अच्छा लूट करके अभी निकले जरूर से हैं। प्लेयर्स की बात कर जाए, प्रकाश ओपी एंड आंधी की बात कर जाए, वो फिलहाल के लिए मेरे को स्कूल के इलाके की तरफ देखने के लिए जरूर से मिलने वाले। एक इलाका इन्होंने जो पकड़ा है वो एक थोड़ा सा गजब इलाका देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज ऑफ इस इलाके की तरफ दो ही प्लेयर लूट रहे हैं। स्कूल का एक इलाका जो रहता है टू प्लेयर्स के लिए बहुत ही बड़ा इलाका, एंड एक अच्छी लूट इकतरी जरूर से कर सकते हैं अपने लिए एंड अपने प्लेयर्स के लिए भी, बिकॉज ऑफ ड्रोन क्रेडिट्स देखी जाए तो 2840 ड्रोन क्रेडिट्स इनके पास देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। स्प्लिट ड्रॉप का यही रहता है कि मतलब ज़्यादा एरिया कवर करने मिल जाता है, प्लस जो लूट है वो जल्दी हो जाती है प्लेयर्स की, एंड रोटेशंस भी जो अपन दे सकते हैं बहुत ही जल्द। बट क्रिमिनल इन द मीनवाइल, उनकी तरफ से एक नॉकआउट देखने के लिए जरूर से मिला है, बट फिलहाल आपको लेके चलते हैं यूवोजी की टीम के ऊपर, बिकॉज ऑफ उनके द्वारा यहाँ पे आई थिंक सो टीम जो है फिनिश आउट कर दी गई है। टीम नंबर 14 जो थी हमारी टीम प्रोफेशनल, उनको यहाँ पे पछाड़ा जरूर से जाएगा। जी हाँ, एक जो बंदे थे यहाँ पे उनको आए थे फिनिश आउट। जी हाँ, चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश आउट हो जाएंगे। सारे प्लेयर्स एक्चुअली हॉस्पिटल के इलाके की तरफ देखने के लिए मिल जरूर से रहे थे, बट फिलहाल टीम सॉरी चार नहीं एक्चुअली तीन प्लेयर थे टीम U4G की बात कर जाए, उनके एक भी कैजुअलिटी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली। एक अच्छी फाइट निकाल के गए, प्लस 3 किल पॉइंट अपने खाते में जरूर से डाल के गए। चारों प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव, टीम प्लीज अभी भी अलाइव। नेक्स्ट जन की बात करिए, जैसा कि अब उनको पता है नेक्स्ट जन जो हमारी है जॉर्ज और नॉर्थ सिटी जाते हुए दिखाई जरूर से देनी है। प्लेन पाथ के नज़रिए की बात करें, जब प्लेन पाथ के इतना करीब भी नहीं था, इतना दूर भी नहीं था, सो इजीली जो रीच आउट कर पाए वो अपनी जगह पे अपनी पोजीशंस पे। बट फिलहाल V4 की बात करी जाए, गटका के इलाका आराम से लूटते हुए दिखाई देने वाले इन दैट स्प्लिट ड्रॉप। पहले स्प्लिट ड्रॉप थे, फिर बाद में जो है एक एकत्रित होते हैं एक जगह के ऊपर, देन ये जो है रोटेशंस को अंजाम देते हुए दिखाई जरूर से दे रहे हैं। गाइस 13 की वॉचिंग आ रही है और 7 लाइक है, शर्म नहीं आती गाइस तुमको? फटाफट से जो लाइक है वो कर दो यार, 10 लाइक तो कराओ एटलीस्ट, 12 लाइक तो होने चाहिए यार, 13 नहीं करने तो। ओके, सो मिलिट्री ब्रेस की बात कर रहा था मैं, फिलहाल उधर जो टीम्स हैं वो जा चुकी हैं। बट फिलहाल टीम नंबर सेवन के ऊपर अगर आपको लेके जाया जाए, उनके जो प्लेयर्स हैं राइजिंग स्टार के चारों प्लेयर्स अभी भी अलाइव, एंड मिल्टा के लागे की तरफ कोई क्लस्टर देखने के लिए मिल नहीं रहा इनके साथ। एंड बाकी टीम्स की बात करी जाए तो रोटेशंस देना उनके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। बट फिलहाल आपको लेके चलते हैं टीम हमारी, क्या बोलते हैं इसको, ब्लीज के ऊपर। इनके द्वारा यहाँ पे शॉट्स लिए जरूर से जा रहे हैं। K9 क्या एक फटका देखने के लिए मिल सकता है ये K9 का या फिर नहीं, बिकॉज ऑफ सामने वाले प्लेस की बात कर जाए पनीशर इंदा मीनवाल, उनके हाथ में मेरे को एक जो है जी हाँ SLR देखने के लिए जरूर से मिलती हुई दिखाई देने वाली है। लेट्स गो गाइस, फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से, जो लोग भी नए हो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दो, एंड शेयर जरूर से कर देना स्ट्रीम को, ताकि जिन बंदों को नोटिफिकेशन नहीं गया या जिनको अभी तक पता नहीं चला सो वो जो है लोग अपना ज्वाइन कर लें हमारी स्ट्रीम। बट फिलहाल पनीचर के द्वारा यहाँ पे अच्छी कोशिश करी गई, अच्छे कनेक्शंस बनाए गए हैं वो प्लेयर के ऊपर, बट फिलहाल के लिए कोई भी दिक्कतें क्रिएट नहीं कर पाए, कोई एक नॉकआउट दे नहीं पाए हमें टीम ब्लीज के ऊपर हमारी। बट फिलहाल टीम ब्लीज के ऊपर यहाँ पे जो है U4G की टीम चढ़ी जरूर से, दो प्लेयर यहाँ पे गए जरूर से, प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करना चाहेंगे। रोनी यहाँ पे सामने देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं, रोनी की बात कर जाए दूसरी बिल्डिंग में एक्चुअली, एंड यहाँ पे जो है रशीन इनकी तरफ से यहाँ पे करते हुए दिखाई जरूर से देने वाली। ये प्लेयर्स यहाँ पे गए जरूर से, साइफर वर्सेस स्लिम वाइटी वैन, कोई ना देखते हैं कभी करवाते हैं, तो अभी तो नहीं। सो यहाँ पे नेड आता हुआ U4G की तरफ से, यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट लेके जाएगा, प्लस फिनिश आउट जरूर से करके जाएगा रॉनी को। एक और प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट क्रिमिनल के द्वारा, वो भी फिनिश आउट होता हुआ दिखाई देने वाला है। दो प्लेयर अभी भी सर्वाइव करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे फ्रॉम द टीम ब्लीज। U4G की बात कर जाए, उनके खाते में यहाँ पे 2 किल पॉइंट देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। प्लेयर को स्पॉट करा गया है हमारे टीम नंबर 13 के द्वारा, एंड दिक्कतें यहाँ नहीं दिक्कतें वहाँ बनने वाली है सेकंड के ऊपर, बिकॉज ऑफ वो यहाँ पे सोलो प्लेयर है, इनके ऊपर इधर से लगातार दिक्कतें बननी है। सामने प्लेयर को स्पॉट करा,
420 को यहाँ पे नॉकआउट करते हैं, इसी के समक्ष उनको नॉक करके प्लस फिनिश आउट करा जाता है। बट फिलहाल रिटेलिएशन में ये प्लेयर को भी नॉकआउट करा जाता है एंड फिनिश आउट करने की दरखास्त जरूर से रहने वाली है ये प्लेयर के द्वारा। जी हाँ, बट फिलहाल क्रिमिनल वो प्लेयर के ऊपर चढ़ना जरूर से चाहेंगे जो अकेला खिलाड़ी बच चुका है हमारी टीम ब्लीज का। अकेला खिलाड़ी क्या कर पाएगा कुछ यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, बिकॉज ऑफ बाकी टीममेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई देने वाले, ठोकते हुए गाड़ी एकदम से दिखाई देने वाले। पनिशर की बात कर जाए, नेड कुक करा जरूर है, बट नेड में भी कुछ हो ना पाए नेड से, बिकॉज ऑफ जहाँ पे इन्होंने नेड करा है वहाँ पे एक भी कनेक्शन नहीं बनेगा वो प्लेयर का। एंड वो प्लेयर के ऊपर अगर आपको लेके जाए तो फिलहाल वो प्लेयर के ऊपर थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि 1v3 का ये सिचुएशन है इनके लिए। साइकिल यहाँ पे नॉकआउट पड़े हैं, जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे फिनिश आउट हो चुके हैं। देखने वाली बात रहेगी कैसे ये इंगेजमेंट करते हैं ये फाइट के अंदर। स्कारल इनके हाथ में एक ही AR देखने के लिए मिल रही है, दूसरी जो है स्नाइपर राइफल देखने के लिए मिल रही है इनके पास। बट फिलहाल सिचुएशन जो है वो सामने वाली टीम के ऊपर ज़्यादा जो एक एडवांटेज की है, फिलहाल इनके ऊपर थोड़ा बैड सिचुएशन ज़रूर से देखने के लिए मिलेगा। बाकी टीम्स की बात कर जाए, टीम नंबर जो 15 हमें बहुत ही क्लोज देखने के लिए ज़रूर से मिलने वाली है। V4 की टीम जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है टुवर्ड्स हॉस्पिटल एरिया एंड जो ट्रिपल वेयरहाउस होता है वहाँ पे, यहाँ पे जो एक रीच आउट कर ज़रूर से चुके हैं। वी वॉन्ट टू सी साइक कोबरा वर्सेस V4 कोबरा टू फाइंड आउट रियल कोबरा। ओके ब्रो, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन करवाएंगे 1v1 किसी दिन करवाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो फाइट है वो एक और इंगेज जरूर से हो चुके। टीम नंबर 10 की बात कर जाए, उनके जो प्लेयर्स हैं वो नॉकआउट होते हुए दिखाई देने वाले हैं, उनको फिनिश आउट जरूर से कराया जाएगा बाय द टीम 16। ओके, सो फिनिश आउट करने में सक्षम नहीं रहे। नेक्स्ट जन की बात कर जाए, ऋत्विक के द्वारा यहाँ पे जो प्लेयर नॉकआउट करा गया, मे भी उनके ऊपर अगर स्पेक करें उनको फिनिश आउट जरूर से करा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पे अरिशम को फिनिश आउट करा जाएगा हमारे रीपर FTW के द्वारा। जो प्लेयर्स हैं टीम नंबर 16 के वो रोटेशन देते हुए दिखाई देने वाले हैं एंड पानी में यहाँ पे जो है गाड़ी कुदाते हुए दिखाई जरूर से देने वाले हैं राहुल। SNG राहुल की बात कर जाए, वो यहाँ पे आए जरूर से, बट फिलहाल टीम नंबर जो है हमारी 4 वो भी दिक्कतें क्रिएट करते हुए दिखाई देने वाले इसी टीम्स के ऊपर। टीम हमारी 16 की बात कर जाए, टीम अनस्टॉपेबल 4 की बात कर जाए, SNG राहुल यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। हमने नेक्स्ट जन 47 देखने के लिए मिलेंगे, प्लेयर यहाँ पे ऊपर गया जरूर से, बट पानी की अगर आवाज़ आई वो प्लेयर को सो दिक्कतें जरूर से बनने वाली है। राहुल को यहाँ पे स्पॉट करा जाएगा, बट फिलहाल क्या इनके आंखों के सामने वो धोखा देते हुए पानी के अंदर चलते हुए दिखाई देने वाले। बट फिलहाल नेक्स्ट जन 47 थोड़े दिक्कतों में आ सकते हैं अगर इन्होंने जो प्लेयर हैं उनको जल्दी से स्पॉट नहीं करा तो। फिलहाल 11 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो फॉर द 10 लाइक्स गाइस। जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं करा, फटाफट से जो लाइक का गोल है वो कंप्लीट करा दो यार, फटाफट से। ओके, सो SNG राहुल जो है एक ब्रिज के नीचे गए जरूर से एंड अपने आप को हील अप जरूर से करना चाहेंगे। पानी के अंदर थोड़ा डैमेज जरूर से पड़ा, आगे ही थोड़ा कम HP दिखाई जरूर से दिए थे ये जो प्लेयर्स हैं, बट फिलहाल जोन बनाने में सक्षम जरूर से रहने वाले। टीम नंबर 12 की बात कर जाए, सोलो प्लेयर डायोग से वहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाला जो कि जोन के बाहर है, बट फिलहाल दिक्कतें ये ब्रिज के ऊपर क्रिएट होती हुई दिखाई देने वाली है। बट फिलहाल टीम नंबर 13 की बात कर जाए, टीम V4 की बात करी जाए, एक्चुअली टीम नंबर 15 की, वो यहाँ पे आए जरूर से एंड कोबरा के द्वारा यहाँ पे जो एक ड्रोन लेके जाया जरूर से जा रहा है, ड्रोन के द्वारा यहाँ पे स्पेक्ट जरूर से करना चाहेंगे प्लेयर्स को। एंड इसी समक्ष प्लेयर आई थिंक सो यहाँ पे स्पॉट करा जा सकता था, बट फिलहाल कोबरा की ड्राइविंग और वॉल ड्रोन की ड्राइविंग यहाँ पे अच्छी देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है। अच्छा, प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करा गया है, एक प्लेयर देखा जरूर से जाएगा क्रिमिनल को एंड इसी समक्ष क्रिमिनल को यहाँ पे नॉकआउट मिलता हुआ देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, साइफर के द्वारा नॉकआउट हुए जरूर से, बट फिलहाल वो प्लेयर बहुत ही अच्छा नॉक लेके गया। हिटमैन की बात कर जाए, उनके द्वारा यहाँ पे रशिंग जरूर से होता हुआ टू द टीम U4। जी हाँ, यहाँ पे प्लेयर देखा जरूर से जाएगा, पनिशर के ऊपर यहाँ पे लगातार दिक्कतें क्रिएट होंगी। सोलो प्लेयर आई थिंक तो बचता हुआ दिखाई देने वाला टीम U4 जी का, उनको भी यहाँ पे नॉकआउट करा जाएगा, फिनिश आउट करा जाएगा। बट फिलहाल टीम V4 की बात कर जाए, उनके प्लेयर्स अपने प्लेयर के ऊपर जरूर से आना चाहेंगे, बट टीम ब्लीज की बात कर जाए, उनका जो सोलो प्लेयर था उनके द्वारा एक V4 के प्लेयर को नॉक नहीं प्लस फिनिश आउट भी करा गया है एंड अपने खाते में किल पॉइंट जरूर से डाला गया है। बाकी प्लेयर्स की बात कर जाए, उनके जो है जहन में ये जरूर से आ गया होगा कि यहाँ पे एक टीम नहीं, एक और टीम है, बट फिलहाल उनको नहीं पता कि वो जो टीम का प्लेयर है वो सोलो ही प्लेयर सरवाइव करता हुआ दिखाई देने वाला है। फुटस्टेप आएंगे देन उनको पता जरूर से चलने वाला है। बट फिलहाल 10 लाइक का गोल है गाइस, करवाओ यार, क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आता यार। ओके, सो फाइट जो है हमारी टीम में नेक्स्ट जन की भी हो चुकी है, हमारी टीम नंबर 16 के साथ अनस्टॉपेबल 4 के साथ नेड जाता है, वो क्या एक नेड वो नॉकआउट देके जाएगा। जी हां, रीपर FTW के द्वारा वो नेड गया जरूर से, बट फिलहाल
रीपर के द्वारा एक चौक जरूर से करी गई, क्लोज वाले प्लेयर को ना देखते हुए दूर वाले के ऊपर यहाँ पे शॉट लेना चाहे, बट फिलहाल क्लोज वाले प्लेयर को नॉकआउट करा गया, फिनिश आउट भी करा गया है नेक्स्ट जन के खिलाड़ियों की तरफ से। चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे, जहाँ की अभी तीन ही प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले। एक प्लेयर की कैजुअलिटी मिले जरूर से सम्राट को, यहाँ पे फिनिश आउट जरूर से करा जाएगा। टीम नंबर 16 की बात कर जाए, उनके जो प्लेयर्स हैं वो एक एक करके जो फिनिश आउट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अभी सिर्फ एक प्लेयर सर्वाइव करता हुआ दिखाई देने वाला है, जो है हमारे डायनेक्स ओपी, आई थिंक सो, हाँ डायनेक्स डायनेक्स ओपी यहाँ पे देखने के लिए शुरू से मिलने वाले हैं। बट फिलहाल एस एन जी राहुल, उनको यहाँ पे रिवाइव नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट जन के जो प्लेयर्स हैं, रिएक्शन की बात कर जाए, वो यहाँ पे थोड़ा सा फंसे जरूर से। ये जो एरिया उन्होंने पकड़ा है, मे बी उनके ऊपर दिक्कतें जरूर से बन सकती है फ्रॉम द टीम फोर, बट फिलहाल के लिए उनके जो बैकअप है वो आना जरूर से चाहेंगे इसी एरियाज की तरफ। इसी समक्ष टीम वी फोर की बात कर जाए, उनके द्वारा क्या टीम ब्लीज का वो प्लेयर है वो फिनिश आउट हुआ है या फिर नहीं? जी नहीं, अभी तक वो प्लेयर सर्वाइव करता हुआ दिखाई देने वाला है। एंड शिकारी की तरफ से यहाँ पे जो जंप जरूर से करा गया, बट फिलहाल एक अच्छा खासा 40 HP जो डाउन करवा लिया अपना, 100 HP जरूर से देखने के लिए मिलेगा। बट फिलहाल अपने आप को हील अप जरूर से करना चाहेंगे, बूस्ट अप जरूर से करेंगे एस एन जी राहुल। इन द मीनवाइल उनके जो प्लेयर्स हैं, एक ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, बट फिलहाल खुद जो है वो एक फिनिश आउट होते हुए दिखाई जरूर से देने वाला है। 13 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो फॉर द 10 लाइक्स। फटाफट जिन लोगों ने भी लाइक नहीं करा, एक बार लाइक दबा दो यार, मैं कितनी बार बोलूँ। डायनेक्स की बात करी जाए, उनके द्वारा यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट करा गया है, प्लस फिनिश आउट भी करा जाएगा टीम नंबर 16 के, सॉरी टीम नंबर 10 के, बिकॉज ऑफ वो अभी जस्ट प्लेयर रिवाइव हुआ था। बट फिलहाल ट्रायड की टीम यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है। टीम नंबर 16 का वो जो प्लेयर है वो यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है। प्लेयर की जो फुटस्टेप, जो आहट है प्लेयर्स की, वो सुनने के लिए कोशिश जरूर से करा जा रहा है। जो एक नॉकआउट देने की कोशिश जरूर से रहने वाली थी ये प्लेयर के द्वारा, बट फिलहाल वो प्लेयर जो डाकू है हमारे, वो पीछे से आते हुए कवर आउट देते हुए दिखाई देंगे। एंड एक जो अच्छा खासा डैमेज वो प्लेयर को देखे गए, बट फिलहाल एलिक्सर के खाते में वो किल जाता हुआ। अरिशम को फिर से रिवाइव देना रहेगा एक आस्पेक्ट इनके लिए, एंड अपने प्लेयर को जो है रिवाइव देने में सक्षम भी जरूर से रहेंगे, क्योंकि आसपास कोई भी टीम मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल जो प्लेयर है साइफर, उनको यहाँ पे रिवाइव जरूर से दिया गया है। टीम नंबर 13 की बात करें, वो यहाँ से फॉल बैक जरूर से कर चुके हैं। टीम ब्लीज के जो प्लेयर्स हैं वो फॉल बैक जरूर से कर चुके हैं। जोन की बात करें, जोन एक हार्ड शिफ्ट लेता हुआ दिखाई देने वाला है टुवर्ड्स द गटका एरिया, जहाँ पे हमारी V4 की टीम होती है। अगर गटका के एरिया की तरफ अभी उनके द्वारा अगर रोटेशन लिया जाता है, तो मे भी वो सक्षम जरूर से रह सकते हैं एक सेंटर होल्ड करने में। एंड आई थिंक सो कि जो आगे की जो सीन होने वाला है, जो हमारा आगे की जोन बनने वाली है, मे भी वो थोड़ा गटका के ऊपर ही बनने वाली है। बट फिलहाल जो टीम ब्लीज थी, उनके प्लेयर को यहाँ पे विक्टर के द्वारा नॉकआउट करा गया। एक डीपी का अच्छा स्प्रे देते हुए गाड़ी से वो बंदे को उतारते हुए दिखाई जरूर से दे ये प्लेयर। ओके सो गाइस, मतलब 16 प्लेयर के हिसाब से ठीक है यार, अगर तुम होल्ड करके खेलोगे ना, एक अच्छा खेलने मिलेगा गेम, एंड लैग फ्री, प्लस एक पिंग भी तुम्हारी अच्छी आएगी। सो एक होल्ड करना भी सीख जाओगे तुम, अगर तुम पे रश आता है कैसे करना है, एक जोन का रोटेशंस भी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, एक प्रॉपर कॉल आउट के साथ। एक प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि मतलब कभी कभार ऐसा ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती थी फाइट में, एंड रोटेशन भी नहीं ले पाते थे कई कबार तो भाई। बट अभी जो रोटेशन, पहले जो 3-4 जोन रहेंगे वो रोटेशन ईजी ले लें, बट 5वें जोन तक अगर आप सर्वाइव करते हो विद दैट सेम इंटेंसिटी के साथ, जो हमारी 36 लॉबी देखने के लिए मिलती है, सेम लॉबी जो हमारी विद 80 पीपल्स या 70 प्लेयर्स के साथ देखने के लिए मिलती है, अगर वो यही प्लेयर्स के साथ देखने के लिए मिलेगा तो मज़ा आ जाना है गाइस। लेट्स गो, तो ट्राई करो, चारों प्लेयर्स के साथ ज्वाइन करो, नहीं तो आपको बैन मिल जाना, इतना तो आपको पता है। चारों प्लेयर्स के साथ ज्वाइन करो हमारी स्क्रिम्स, एंड ट्राई करा करो कि जो होल्ड करके खेल लो ज़्यादा, एंड क्लासिक बनाने का ट्राई मत करा करो। किल पॉइंट मे भी जस्ट 64 की लॉबी बनाई है, तो मे भी थोड़ा सा जो किल पॉइंट है उनको मेरे ख्याल से यहाँ पे बंदे अगर महत्ता देंगे तो आखिरी तक, चलो वैसे बंदों की कॉल है, बट फिलहाल अगर इंटेंसिटी चाहिए तो आपको थोड़ा पहले दो चार जोन है उनको थोड़ा सा होल्ड करके खेलना पड़ेगा। सो देन ही आई थिंक सो इंटेंसिटी मिल सकती है आपको आखिरी जोन्स के लिए, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए आखिरी जोन्स की। क्योंकि आप ये समझ के चलो कि मतलब एक टूर्नामेंट खेल रहे हो, आपको मिलना है प्राइज, ये समझ के चलो। अगर ये समझ के चलोगे तो ऑब्वियसली सारे होल्ड करके खेलेंगे, सारे सेव रोटेशंस लेंगे। बट फिलहाल नेक्स्ट जन की जो है एक फाइट इनके जरूर से हो चुकी है हमारी ट्रायड की टीम के साथ, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट जन का जो खिलाड़ी है वो नॉकआउट होता हुआ दिखाई देने वाला है, प्लस फिनिश आउट होता हुआ अभी दिखाई देगा। प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट करना जरूर से चाहेंगे हमारे नेक्स्ट जन के 47। एंड बट फिलहाल आज बात करी जाए एलिमिनेशन राउंड जो होने वाला है टीम नेक्स्ट जन वर्सेस टीम बजरंग दल के साथ जरूर से होने वाला है। एंड देखने वाली बात रहने वाले कि आज जो टीम है कौन सी जीत के जाएगी हमारी एलिमिनेशन राउंड। एंड कल से जो हमारे सेमीफाइनल्स शुरू जरूर से होने वाले हैं, 2 दिन सेमीफाइनल चलेगा, एंड संडे को हमारा जो है फाइनल मैचेस, जो फाइनल हमारी
टीम्स आएंगी दो निकल के, उनका जरूर से होने वाला है मैचेस। बट फिलहाल आज की बात करी जाए, वोट आउट जरूर से करो गाइस, जो चैट में वोट आउट चल रहे हैं, कौन सी टीम आपको लगता है कि जीत के जाएगी, नेक्स्ट जन या फिर बजरंग दल। नेक्स्ट जन के अभी तक 92% जो आ चुके हैं वोट आउट, बट फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कैसे ये जो फाइट निकल के आती है या फिर नहीं। बट फिलहाल टीम V4 सेंटर ऑफ द जोन लगभग पहुंच जरूर से चुके हैं। बाकी प्लेस की बात करें, चाहे टीम हमारी ट्रायड की बात करें, चाहे वो यहाँ पे बहुत ही क्लोज देखने के लिए मिलेगी। बट गाड़ियों का जो कवर है, गाड़ियों को जो सेफ करा जा रहा है, कवर में लिया जा रहा है कि ताकि जो गाड़ियाँ डिच ना कर पाए बंदे इनकी, एंड एक जो है रोटेशन में इनको जो दिक्कत ना आ पाए। 10 टीम्स आर स्टिल अलाइव गाइस, 36 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव। देखने वाली बात रहेगी कैसे जो इंगेजमेंट होती है फाइट्स की, कैसे जो प्लेयर्स नॉकआउट प्लस फिनिश आउट होते हैं, एंड कौन सी जो टीम है वो विनर विनर चिकन डिनर लेके जाती है। किल हमारी V4 की टीम के 3 किल पॉइंट देखने के शुरू से मिलेंगे उनके खाते में। बट टीम ट्रायड वो यहाँ पे जो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली ये वाले एरियाज की तरफ। बिकॉज सामने की बात कर जाए, एक्चुअली टीम नंबर 1 देखने के लिए जरूर से मिलने वाली टीम एलिमेंटल्स। बट जोन की बात कर जाए, जोन एक और हार्ड टीम जरूर से ले चुका टीम एलिमेंटल्स की बात कर जाए, उनके द्वारा यहाँ पे डाकू के ऊपर स्प्रे जरूर से दिए जा रहे हैं, डाकू के ऊपर स्प्रे दिए जा रहे हैं। प्लस उनको यहाँ पे एक भी कनेक्शन जो बना नहीं है, एक भी कनेक्ट नहीं हुई है बुलेट, पर दिक्कतें जरूर से क्रिएट करना चाहेंगे, अपने गाड़ियों को डिच होने से बचाएंगे। बट फिलहाल एक रिज के कवर में है ये गाड़ी, एंड मे भी ज़्यादा दिक्कतें होने नहीं वाली टीम नंबर 5 की तरफ से। बिकॉज ऑफ टीम नंबर 5 यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। विजन एक्स स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं यहाँ पे 0 किल्स के साथ। आपको लेके चलते हैं V4 की टीम के ऊपर, बिकॉज ऑफ उनकी जो फाइट है वो इंगेज होती हुई दिखाई देने वाली है विद द टीम नंबर 7। टीम नंबर 7 की बात कर जाए, राइजिंग स्टार के द्वारा यहाँ पे जो एक प्लेयर है वो नॉकआउट करा गया है रिटेलिएशन में। यहाँ पे जो आई थिंक सो एक और प्लेयर नॉकआउट हो चुका है इनका है जोन। बट फिलहाल टीम V4 की बात की जाए, एक प्लेयर की कैजुअलिटी जरूर से झेलनी पड़ेगी इस टीम को। सामने प्लेयर को स्पॉट करा है नॉक देने की कोशिश शिकारी के द्वारा, बट फिलहाल नाकामयाब रहे। वो प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करा गया हिटमैन के द्वारा, बट यहाँ पे जो प्लेयर है वो अटकाते हुए हिटमैन को, आखिरी जो प्लेयर था वो भी यहाँ पे टीम V4 का फिनिश आउट होता हुआ वो दिखाई देने वाला है। टीम V4 वर्सेस टीम राइजिंग स्टार के अंदर राइजिंग स्टार जो है हमारी विन करती हुई दिखाई जरूर से देने वाली है। विद दैट 4 किल पॉइंट, एक कैजुअलिटी जरूर से मिल गई इस टीम को। 17 की वॉचिंग आ रही है, कैन वी हिट दैट 20 लाइक्स, फटाफट से जो 20 लाइक का गोल है वो करवा दो। इन एलिमिनेशन राउंड कब है, एक ये मैच है, एक अगला मैच है, देन 2 मैच ही है आज टोटल, उसके बाद आपका एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो आज फटाफट से जो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करा, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बट फिलहाल टीम नंबर 4 जो है बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है टूवर्ड्स टीम नंबर 11। जी हाँ, टीम नंबर 11 की बात करें, टीम नेक्स्ट जन ऑफिशियल देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं, जिनके ऊपर यहाँ पे एक नॉकआउट देखने के लिए मिला है क्रेजी ADYT की तरफ से। हमारी जो टीम है टीम नंबर 4 डायरेक्ट रश की टीम देखने के लिए मिलेगी, एंड डायरेक्ट रश यहाँ पे करते हुए दिखाई जरूर से देने वाली है नेक्स्ट जन के वो प्लेयर हैं जो नॉकआउट हुए हैं। बाकी 2 प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए दिखाई देंगे, एंड 47 की बात करें, अगर उनके ऊपर दिक्कतें बनी तो वो पूरी टीम है जो वो फिनिश आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करा गया है, बट फिलहाल नेट जो कराया गया है उसका जो अगर डैमेज इनको पड़ गया तो दिक्कतें जरूर से होने वाली है। बट फिलहाल ग्रिम्स के द्वारा यहाँ पे बैरियर का स्प्रे आता हुआ वो प्लेयर के ऊपर, एंड उनको भी यहाँ पे फिनिश आउट करके जरूर से जाता हुआ दिखाई देने वाला है। 4th जो जोन है हमारा चल जरूर से चुका है, इंटेंसिटी अभी भी मेरे को एक अच्छी दिखाई जरूर से दे रही है, एक अच्छे लेवल की जो इंटेंसिटी है वो दिखाई देने वाली है। बट फिलहाल टीम नंबर 12 के प्लेयर लॉकी की बात कर जाए, उनके द्वारा यहाँ पे नेट करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है विजन एक्स स्पोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ उनके द्वारा यहाँ पे रशिंग जरूर से हो चुका है। प्लेयर्स यहाँ पे जो है लगातार कोशिश करने वाले हैं, बट फिलहाल एक नॉकआउट लॉकी के द्वारा निकला जरूर से वो प्लेयर के ऊपर। सेव यहाँ पे आना जरूर से चाहेंगे, अंदर आए जरूर से, बट सेव को भी यहाँ पे स्पॉट करा जाएगा हमारे लॉकी के द्वारा। बट फिलहाल लॉकी यहाँ पे नाकामयाब रहेंगे वो प्लेयर को नॉकआउट करने में, एक प्लेयर नॉकआउट जरूर से, एक प्लेयर फिनिश आउट होता हुआ हमें टीम नंबर 12 के देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है। सामने प्लेयर्स हैं, एक जो जोन है जोन का प्रेशर आउट भी आता हुआ दिखाई देने वाला है। ड्रिप की तरफ से एक नेट जाता हुआ वो प्लेयर के ऊपर, उसको भी यहाँ पे नॉकआउट प्लस फिनिश आउट करके लेके जा सकता है। बट फिलहाल प्लेयर्स नॉकआउट हुए हैं, बट रिटेलिएशन में हमारी टीम नंबर 12 भी कुछ कम नहीं दिखाई दे रही। सोलो भी सोलो ये सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी, क्या यहाँ पे कुछ कर पाएंगे यहाँ पे नहीं। जी आईसी समक्ष टीम नंबर 5 अपने प्लेयर्स को सिक्योर करते हुए ये जो फाइट है विन करती हुई दिखाई जरूर से देने वाली है। 20 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो फॉर द 20 लाइक्स गाइस। जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं करा फटाफट से जो 20 गोल हमारा 20 लाइक का गोल है वो कंप्लीट करवा दो यार। 19 की वॉचिंग आ रही है और 20 लाइक ना हुआ ऐसा हो नहीं सकता गाइस। फटाफट से जो जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक कर दो।
सो जोन की बात कर जाए, एक और हार्ड शिफ्ट जरूर से लेती हुई दिखाई देने वाली है टुवर्ड्स डाउन एरिया। एंड टीम नंबर 7 की बात कर जाए, उनके जो प्लेयर्स हैं वो नॉकआउट होते हुए दिखाई जरूर से देने वाले, बाकी सारे प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके थे। हेलन जो फिनिश आउट हो गए थे हमारी V4 की टीम के द्वारा, उनको यहाँ पे रिवाइव दिया गया था एंड उनको भी यहाँ पे फिनिश आउट जरूर से करते हुए दिखाई देने वाले हमें टीम ऑपरेसिव। 4 किल पॉइंट इनके खाते में दिखाई देंगे एंड 0 कैजुअलिटी, जो कि एक अच्छी बात है। अभी जो मैचेस है पड़ा है ब्रो, टीम्स जो 6 देखने के लिए मिलेंगे, 20 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव इन द 5th फेज। ओके, सो टीम नंबर 10 की बात करिए, डाकू यहाँ पे देखने के लिए शुरू से मिलने वाले। ट्रायड की टीम बात करी जाए, 2 किल पॉइंट इनके खाते में मेरे को दिखाई जरूर से देने वाले हैं। ड्रोन क्रेडिट्स इतने इनफ नहीं है कि एक भी प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव दे पाए, बट फिलहाल टीम नंबर 1 टीम एलिमेंटल्स वो एक अच्छा गटर का इलाका जो है उन्होंने पकड़ा जरूर से, एक जो सीवरेज का इलाका रहता है वो यहाँ पे जो होल्ड करते हुए दिखाई जरूर से देने वाले हैं। 6 टीम्स आर स्टिल अलाइव जोन के अंदर आना रहेगा एक आस्पेक्ट टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 3 के लिए, बट फिलहाल टीम नंबर 8 बजरंग दल की ये खिलाड़ी जो 2 बचते हुए दिखाई देने वाले, अभी तक दोनों ही प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने जो प्लेयर है उनके ऊपर दिक्कतें क्रिएट करना चाहेंगे, मिलिट्री के एरिया की तरफ लूटते हुए दिखाई दे रहे थे एंड एज सच कोई भी दिक्कतें इन दोनों ही प्लेयर के ऊपर नहीं आई, एक भी प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट प्लस फिनिश आउट नहीं हुआ अब तक। एंड ड्रोन क्रेडिट्स की बात कर जाए, थोड़ी दिक्कतें जरूर से होने वाली ये प्लेयर्स को, अगर एक भी प्लेयर नॉकआउट हो जाता है या फिनिश आउट हो जाता है तो उनको रिवाइव देने में, बट फिलहाल ड्रिप के द्वारा अपने प्लेयर्स को यहाँ पे रिवाइव जरूर से दिया गया है एंड प्लेयर को रिवाइव देना रहा था एक एस्पेक्ट इनके लिए, बट फिलहाल दिक्कतें कोई भी नहीं बनेगी। टीम नंबर 4 की बात करी जाए, उनके जो प्लेयर्स हैं टीम डायरेक्ट रश के जो प्लेयर्स हैं वो भी इस एरिया की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देने वाले। 17 की वॉचिंग आ रहे हैं, लेट गो फॉर द 20 लाइक्स गाइस, जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से जो लाइक का गोल है वो कंप्लीट करवा दो। यहाँ पे जो एक गाड़ी लगाई जरूर से गई है उसके द्वारा यहाँ पे एक जो है अच्छा कवर आउट लिया जरूर से क्या है, शॉट्स आए थे अच्छे कनेक्शन भी बने थे, बट फिलहाल नेड आते हुए ये प्लेयर के ऊपर थैनोस बहुत ही कम एच पी बचते हुए एक और नेड आता है अगर तो वो जो सारे के सारे प्लेयर्स में भी दिक्कतों में जरूर से आ सकते हैं। एक प्लेयर यहाँ पर नॉकआउट जरूर से हुआ, टीम विजन एक्सपोर्स एंड टीम डायरेक्टर या डायरेक्टर के बीच में जो एक फाइट देखने की जरूर से मिलने वाली है जो प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे स्पॉट जरूर से करा जाएगा। आई थिंक सो ये रेलिंग बोल रही है जो एक बीच में से जो एक एरिया है वहां से जो बंदे स्पैम कर सकते हैं क्या बंदों को, बट फिलहाल 2 यहाँ पे नॉकआउट जरूर से हो चुके हैं प्लेयर्स एंड टीम हमारी डायरेक्टर्स भी यहाँ पे फिनिश आउट होती हुई दिखाई देने वाली। एक नेड हमारे ग्रिम्स भैया की तरफ से, 2 प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट प्लस फिनिश आउट करके जाता हुआ, आखिरी खिलाड़ी था उसको भी नेड से यहाँ पे फिनिश आउट करके जाता हुआ दिखाई देने वाला है। टीम नंबर 5 की बात कर जाए, वो भी फिनिश आउट हो गई, व्हाट, दोनों ही नेड एक दूसरे टीम के ऊपर गए एंड सारी की सारी टीम जो वहाँ पे थी दोनों टीम्स यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए दिखाई देने वाली है। टीम विजन एक्स एलिमिनेटेड बाय द टीम डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स वॉज एलिमिनेटेड बाय हमारे प्लेयर जो थे हमारे टीम विजन एक्स के, और फिलहाल टीम नंबर 1 टीम एलिमेंटल्स की बात करें जाए वो यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। सामने के प्लेयर्स की बात करें जाए टीम नंबर 10 के, वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। 2 प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले, व्हाट ये कहाँ पे गोली चला रहा था ऋषभ, अभी पत्ते ही निकल रहे थे भाई। बट फिलहाल टीम नंबर 3 ऑपरेसिव की बात कर जाए, एक प्लेयर के नॉकआउट प्लस फिनिश आउट हो जरूर से गए हैं, बट फिलहाल टीम बजरंग दल के वो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा क्लोज इन जरूर से कराया है, उनके द्वारा जो प्लेयर को स्पॉट करा गया है एक अच्छे कनेक्शन बनाए गए हैं, काफ़ी लो एच पी करा गया है हमारे बल्लू भैया को एंड एक जो दिक्कत है उनके ऊपर जरूर से क्रिएट करते हुए दिखाई देने वाले। बट एलेक्सर इन द मीनवाइल वो यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे हमारी टीम एलिमेंटल की तरफ से एंड एलिमेंटल्स के ऊपर भी यहाँ पे जो लगातार शॉट्स आते हुए दिखाई देने वाले, आज वाई टीम द मीनवाइल वो भी यहाँ पे जो है नॉकआउट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। शशो की तरफ से यहाँ पे जो एक क्लोज इन जरूर से देना चाहेंगे, वो प्लेयर जो है एक जो जोन का जो नजरिया रहता है उनके ऊपर जाना जरूर से चाहेंगे। 11 इन द मीनवाइल जो फिनिश आउट हो जाएंगे, बलू के द्वारा नॉकआउट हुए थे, गाड़ी के जो ऊपर से स्प्रे जरूर से दी गई थी एंड बलू के द्वारा नॉकआउट प्लस फिनिश आउट जरूर से करा गया है वो प्लेयर को। ये जो एरिया है बिल्कुल ही खाली एरिया इनको देखने के लिए जरूर से मिला यशो को एंड एक अच्छा एरिया कवर आउट जरूर से करेंगे। इनके पास कोई भी टीम नहीं देखने के लिए मिली, बट फिलहाल अपने जो एरियाज हैं उनको यहाँ पे जो एक अच्छा अच्छे खासे तरीके से देखना जरूर से चाहेंगे, स्पॉट जरूर से करना चाहेंगे ताकि कोई प्लेयर इनको जो पास में दिखे उनको यहाँ पे फिनिश आउट करना चाहेंगे। बट फिलहाल आंधी वाई टीम वो यहाँ पे जोन के अंदर दिखाई दे रहे हैं बट नॉकआउट हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बाकी प्लेयर्स की बात करी जाए, जैसे कि टीम हमारी ऑपरेसिव बल्लू की बात करी जाए, वो यहाँ पे देख रहे हैं 16 प्लेयर देखने के लिए मिलेंगे एंड उनके द्वारा यहाँ पे शॉट्स लिए जरूर से जा रहे हैं टुवर्ड्स अ टीम एलिमेंटल्स। एलिमेंटल्स की बात करिए, यशो को यहाँ पे स्पॉट करा गया है फ्रॉम द बजरंग दल टीम
एंड टीम ट्रायहार्ड, उनके जो दो किल पॉइंट हैं यहाँ पे, वॉइड जो है फिर से नॉकआउट हो चुके हैं, लेक्जर को नॉकआउट मिला था उनको रिवाइव मिल चुका है, वॉइड यहाँ पे जो है वो नॉकआउट हो चुके हैं, उनको यहाँ पे रिवाइव देना रहेगा एक आस्पेक्ट। आंधी की बात कर जाए वो यहाँ पे बहुत ही कम एच पी सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले, बट उनको रिवाइव देना रहेगा एक आस्पेक्ट प्लेयर्स के लिए। बट अगर अपने प्लेयर्स के ऊपर पहुँच जाते तो मे बी उनके ऊपर दिक्कतें नहीं हो पाती, एक रिवाइव जरूर से मिल जाता, बट फिलहाल यहाँ पे रुके, आई डोंट नो क्यों रुके। अगर चले जाते तो मे बी ईजी जो रिवाइव अपने प्लेयर्स के द्वारा हो जाते, थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर से होती प्लेयर को, बट फिलहाल हो जाते यार, मतलब ऐसा कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली थी। बट अगर उठते राइट साइड जो ट्राई हार्ड की टीम है उनके द्वारा जरूर से शॉट्स लिए जाते वो टीम के ऊपर, बट फिलहाल नेड एलेक्जर के द्वारा अपने ऊपर ही करा गया। आई डोंट नो वाई वो जो नेड है गिरता हुआ वो अबे भाई बाइक के ऊपर गिरता हुआ दिखाई देने वाला, बट फिलहाल टीम नंबर वन गिव यहाँ पे जो है रोटेशन देते हुए दिखाई देने वाले, उनको पता है 10 प्लेयर रह चुके हैं, थोड़ा सा जोन के अंदर से अपने आप को लेके जाना चाहेंगे। जोन जो है वो एक नज़रिया देखने के लिए मिलेगा टूवर्ड्स द टीम ट्राई हार्ड, बिकॉज ऑफ ट्राई हार्ड के ऊपर एक अच्छा एडवांटेज जरूर से है। जोन का बात करी जाए जो सामने प्लेयर्स है ट्राई हार्ड के चारों प्लेयर सर्वाइव है, विक्टर को यहाँ पे नॉकआउट करा गया है, नेड करने की कोशिश हमारे गिव भैया की तरफ से रहने वाली है, नेड अगर अच्छा खासा वो गया तो मे बी दिक्कत जरूर से क्रिएट कर सकता है, प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करेंगे एक अच्छा डैमेज देके। यशो को भी यहाँ पे जो दिक्कतें बनाने की कोशिश करी गई है, बट वॉइड के द्वारा वहाँ पे फिनिश आउट जरूर से करा गया है। डाको इन द मीनवाइल वो यहाँ पे चार्जिंग जरूर से करना चाहेंगे। टीम नंबर वन एलिमेंटल्स की बात करिए वो यहाँ पे सर्वाइव करती हुई इन फ्रंट ऑफ टीम ट्रायार्ड, दो ही टीम सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाली है। 3v4 का ये सिचुएशन था, अभी फिलहाल एक प्लेयर जो घुटनों पे आता हुआ दिखाई देने वाला है ट्रायार्ड टीम का, एक नेड अगर और जाता हुआ दिखाई दे सकता है हमें एलेक्जर ओपी की तरफ, बट वो एक जो है मे बी जो यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हमारे एलिमेंटल्स के प्लेयर, अगर यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करा जाता है मौली का इस्तेमाल करा जाए तो मे बी दिक्कतें जरूर से क्रिएट कर पाएंगे वो प्लेयर के ऊपर, बट फिलहाल वॉइड एक अच्छा एंगल होल्ड करके बैठे जरूर से, प्लेयर यहाँ पे स्पॉट करा गया है। डाकू के द्वारा एक और नॉकआउट देखने के लिए मिला, क्या 1v3 का ये सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे, क्या ये 1v3 होता हुआ दिखाई देगा ये प्लेयर के द्वारा, यहाँ पे नहीं प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करा गया, बट आखिरी जो खिलाड़ी था वॉइड के द्वारा फिनिश आउट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। 8 किल पॉइंट देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं पूरी की पूरी टीम पे ट्रायहार्ड के, एंड #1 की पोजीशन है जो एक्वायर करके जरूर से जाते हैं। टीम एलिमेंटल्स की बात कर जाए उनके यहाँ पे 3 किल पॉइंट देखने के लिए जरूर से मिलने वाले, एक अच्छी स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से देखने के लिए जरूर से मिली, एक अच्छा जो उन्होंने गटर का इलाका जो था होल्ड करके रखा, बट जोन फेवर नहीं करी, जोन जो है शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स द ट्राई हार्ड टीम, एंड वहीं पर ये जो प्लेयर्स हैं थोड़ा सा चौक जरूर से कर गए, जो स्मोक है वो उनको यूज़ करना चाहिए था, यूटिलिटीज़ हमारे प्लेयर्स के पास थी जरूर से, टीम एलिमेंटल्स के वो जो प्लेयर थे जो लियो थे उनके पास अच्छा खासा एक जो मौली पड़ी थी, आई डोंट नो वाई उन्होंने क्यों नहीं करी, मौली उनको कर देनी चाहिए थी आखिर में, बट फिलहाल गाइस फटाफट से जो 20 लाइक का गोल है वो कंप्लीट करा दो, 16 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो। जिन लोगों ने भी अभी तक जो लाइक नहीं करा है लाइक का जो बटन है वो प्रेस कर दो गाइस। सो ठीक है, नेक्स्ट IDP आपको जल्दी प्रोवाइड करा जाएगा, 40 पे प्रोवाइड करा जाएगा और 50 पे जो हमारा मैच शुरू हो जाएगा। सो फटाफट से गाइस जिन लोगों ने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। एलिमिनेशन राउंड कब है वो तो पढ़ लिया, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, यस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना जो लोग भी नए हो चैनल के ऊपर। 20 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो फॉर द 25 लाइक्स गाइस। जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक कर देना, जो लोग अभी आए हो जो अपनी फाइट देख रहे हो तो फटाफट से एक बार लाइक जरूर से दबा देना यार।
cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little
it's ingrained in my head, and I start to see. Searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.
हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मैच ऑफ द डे। आज जो मैच हमारा सेकंड मैच शुरू हो चुका है, आपके समक्ष 20 लाइक्स हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द 20 लाइक्स। बीडी वर्सेस नेक्स्ट जन तो कल है, फ्राइडे लिखा था शेड्यूल में। भाई कौन सा शेड्यूल पढ़ रहे हो तुम? ग्रुप डी जाके देखो, ग्रुप डी में जो शेड्यूल लिखा है ना आज का, यार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है यार, चार दिन चलना है एलिमिनेशन, ठीक है। चारों दिन में दो दो टीम्स का मैच होना है, तीन तीन मैच होना है। कौन सा पढ़ के आए हो मिस्टिक भाई? चलो अगर गलती हो भी गई होगी तो मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि ये सीन है। चलो ठीक है, हमारा जो प्लेन पाथ है लैब की तरफ से सैनबरी की तरफ जाता हुआ दिखाई जरूर से देने वाला है। प्लेयर्स यहाँ पे उतरते जरूर से दिखाई देने वाले। 55 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव। जो टीम्स आज नहीं आई, चाहे पहले मैच वाली हो चाहे दूसरे मैच वाली हो, जिन्होंने पूरी की पूरी स्लॉट वेस्ट करी है पहले मैच में या दूसरे मैच में, उनको बैन जरूर से मिलने वाला है। एक तो टीम सिंक्रोनाइज होगी, उनको बैन मिलेगा बिकॉज ऑफ पहला मैच वो ज्वाइन नहीं करे, आई डोंट नो व्हाई। दूसरे मैच में विजन एक्स स्पोर्ट्स की टीम थी, वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए, पूरी की पूरी टीम नहीं कर पाई। सो इन दोनों टीम्स को बैन मिलेगा बिकॉज ऑफ 64 प्लेयर्स हैं यार। चार प्लेयर्स नहीं आएंगे तो कैसा चलेगा यार? 55 प्लेयर्स आर स्टिल मतलब जो ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी चार चार प्लेयर्स नहीं ज्वाइन कर रहे, किसी का एक प्लेयर नहीं ज्वाइन कर रहा, किसी का दो नहीं कर रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अगर तुम्हारे चारों प्लेयर्स अवेलेबल हैं फिर ही खेलो, वरना ना खेलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई फोर्स नहीं है तुमको कि भाई खेलो खेलो आके, चार प्लेयर हैं तो तभी खेलो आके। बट फिलहाल टीम V4 की बात कर जाए, उनके जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे जाते हुए दिखाई देने वाले हैं टूवर्ड्स द पोर्ट एरिया, जैसे कि आपको पता है। एंड उनके समक्ष जाती हुई मेरे को दिख रही है टीम नंबर 14। जी हाँ, टीम प्रोफेशनल के प्लेयर्स भी आज यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। V4 के साथ फाइट जरूर से लेना चाहेंगे। गन इनके हाथ में आ गई है, M249 प्लेयर को यहाँ पे अगर स्पॉट करा जाएगा, जी हाँ स्पॉट करा गया, नॉकआउट देखने के लिए मिल सकता था। बट हिटमैन बहुत ही एक अच्छे तरीके से वहाँ पे बसते हुए दिखाई देने वाले हैं मेरे को ये प्लेयर के ऊपर। अगर आपको लेके जाया जाए हिटमैन की बात कर जाए, वो यहाँ पे ऊपर देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। एंड वहां पे टीपीपी का इस्तेमाल करा जा रहा है उनके द्वारा। हिटमैन के ऊपर अगर आपको लेके जाया जाए, प्लेयर नीचे दिख जरूर से रहे हैं, बट फिलहाल हिटमैन क्या यहां पे कुछ कर पाएंगे? यहां पे नहीं, बट साइफर के द्वारा एक प्लेयर नॉकआउट, दूसरा प्लेयर यहां पे जो है साइफर वो भी नॉकआउट हो चुके हैं। बट फिलहाल दो प्लेयर को नॉकआउट करने में सक्षम जरूर से रहे हैं हमारे साइफर भैया। 2v4 का सिचुएशन रह चुका है हमारे वो प्लेयर्स के लिए, बट अभी फिलहाल साइफर को यहां पे फिनिश आउट कर दिया। हिटमैन की बात कर जाए, उनके कितने प्लेयर्स यहां पे बचते हुए दिखाई देने वाले हैं मेरे को, वो वाली बात देखने के लिए रहेगी। कोबरा भाई अच्छे से खेलना होता तो अच्छे खेलने का करो यार, सोलो बंदा ऐसे जाके तुम उधर फाइट ले रहे हो, ऐसा सीन क्या यार, मैं क्या बोलूँ यार। तीन प्लेयर यहाँ पे देखने के लिए उससे मिलने वाले, एक फिनिश आउट हुआ जरूर से। रेक्सी यहाँ पे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, शिकारी एंड हिटमैन यहाँ पे बचे जरूर से हैं। टीम 14 की बात कर जाए, टीम नंबर 14 के प्लेयर्स के ऊपर अगर आपको लेके जाया जाए तो अपने प्लेयर को रिवाइव देने में सक्षम जरूर से रहे हैं, बट फिलहाल दूसरे प्लेयर को भी रिवाइव देना रहेगा। एक आस्पेक्ट अशोक यहाँ पे जो नॉकआउट सिचुएशन पे हैं, फिलहाल उनको रिवाइव दिया जरूर से जाएगा प्लेयर्स के द्वारा। बट देखने वाली बात रहेगी शिकारी क्या यहाँ पे रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ ऊपर तीन प्लेयर्स हैं, अगर ऊपर आते हैं तो दिक्कतें इनके ऊपर बनने वाली है। बट शिकारी उनको यहाँ पे कम एचपी करा जरूर से गया, इसी समक्ष थोड़ा सा फॉल बैक जरूर से करा गया ये प्लेयर के द्वारा, अपने आप को हीरअप जरूर से करना चाहेंगे। बट प्लेयर नीचे आया है, अगर शॉटगन उनको चिपका दी जाएगी तो मे भी दिक्कतें उनके ऊपर बनती हुई दिखाई देने वाली है। बट फिलहाल वो प्लेयर अभी थोड़ा अंदर जाता हुआ दिखाई देने वाला, रेक्सिन द मीनवाइल वो एक अच्छा एंगल क्रिएट करके बैठे जरूर से अपने प्लेयर को यहाँ पे जो एक अच्छा खासा कवर प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है ये प्लेयर के द्वारा। बट फिलहाल शिकारी एक अच्छा हील जरूर से हो चुके हैं। शो मॉल दिखाते हैं भाई, रुक जाओ। V4 हिटमैन YT की बात कर जाए, उनके जो प्लेयर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे सामने जो है टीम नंबर 14 का प्लेयर है, एंड 1v1 का ये सिचुएशन इधर अभी तक फिलहाल देखने के लिए जोर से मिलने वाला। प्लेयर को स्पॉट करा जाएगा, बट फिलहाल हिटमैन के पास ना हेलमेट था ना वेस्ट थी, एक नॉकआउट आता हुआ टीम V4 के ऊपर। रिटेलिएशन में हमें जो नॉकआउट है टीम 14 के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा जरूर से। प्रोफेशनल की वो टीम एक प्लेयर का नॉकआउट प्लस फिनिश आउट जरूर से करा जाएगा। हिटमैन की बात कर जाए, उनको भी यहाँ पे रिवाइव देना रहेगा एक आस्पेक्ट फिलहाल के लिए उनके जो प्लेयर्स हैं उनके लिए। बट फिलहाल एक और नॉकआउट टूवर्ड्स अ टीम 14, जी हाँ टीम 14 के पास यहाँ पे जो दिक्कतें क्रिएट होती हुई दिखाई देने वाले 2v2 का ये सिचुएशन। प्लेयर बहुत ही लिट ज़्यादा दिख मेरे को रहा जरूर से बिकॉज ऑफ उनके पास अभी भी हीलिंग नहीं है, अभी अभी जो रिवाइव होकर उठे जरूर से 20 HP उनके खाते में मेरे को दिखाई जरूर से देने वाली है। इसी समक्ष दूसरा जो प्लेयर था थर्ड प्लेयर को भी नॉकआउट कर दिया गया है हमारे रेक्सी के द्वारा। तीन प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करा गया है, एक सोलो प्लेयर क्या यहाँ पे 1v4 आता हुआ हमें रेक्सी की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे नहीं हिटमैन को रिवाइव देना रहेगा एक आस्पेक्ट। फिलहाल शिकारी चार्जिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं वो प्लेयर के ऊपर, हिटमैन इन द मीनवाइल कवर आउट लेते हुए दिखाई देने वाले हैं, एंड कवर आउट लिया भी जाएगा ये प्लेयर के द्वारा। बट शिकारी वो यहाँ पे चांस नहीं देने वाले ऊपर वाले प्लेयर को कि यहाँ पे आ पाए। बट 1v4 क्या रेक्सी का यहाँ पे होने वाला है, 1v4 होने वाला है, करने दो उस लौंडे को यार 1v4।
ओके सो यहाँ पे जो अलग टीम भी आती हुई दिखाई देने वाले, टीम नंबर 9 जी हाँ, ट्रायड की टीम जो है एक इसी इलाके की तरफ पहुंची, सॉरी टीम नंबर 9 की बात करी जाए, सिंक्रोनाइज की जो टीम है वो इस इलाके की तरफ आई जरूर से, इनके जो प्लेयर्स हैं इसी इलाके की तरफ ताक जरूर से, इनकी रहने वाली बट रेक्सी के ऊपर अगर आपको लेके जाया जाए उनके खाते में, क्या ये 1v4 होने वाला है या फिर नहीं? ऊपर है ब्रो, प्लेयर ऊपर है यार, क्या कर रेक्सी भाई। ओके सो एक अलग एंगल क्रिएट करने की कोशिश जरूर से रहने वाली ये प्लेयर के द्वारा, एंड वो प्लेयर्स को अगर नॉकआउट करा जाता है फिनिश आउट तो मतलब वो डायरेक्ट ही हो ही जाएंगे यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल एक अच्छा एंगल क्रिएट करा जाएगा, प्लेयर को स्पॉट करा जाएगा रेक्सी के द्वारा, प्लेयर जो है वो थोड़ा सा फॉल बैक जरूर से कराएगा वो सिचुएशन के द्वारा, थोड़ा सा एक अपने आप को व्हाट एक शॉट गन चिपकी, वो बंदा जो था आखिरी वाला वो भी यहाँ पे फिनिश आउट होता हुआ दिखाई जरूर से देगा। कोबरा वाइट इन द मीनवाइल वो यहाँ पे बैठे जरूर से हैं, क्या कर रहे हैं ये, कैसे बैठे हुए हैं भाई? अरे अरे ये तो फुल पोज में बैठा भाई, ओ माय गॉड फोटो खींची जाएगी इसकी। ओके यहाँ से एक फोटो निकाल लेता हूँ, अरे रुक जा, अरे कोबरा क्या कर रहा है यार, हाँ ऐसे ऊपर ऊपर बुकर थोड़ा राइट को, कॉल करके पूछ रहा है क्या कहाँ पे हैं? यार फोटो ही नहीं आई अच्छी, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर फाइट, यस आफ्टर फाइट दिखाता हूँ, अभी फाइट हो चुकी है हमारी समाप्त, अगली टीम की भी फाइट होने वाली है, बट फिलहाल मॉल के आगे की तरफ यार कोई टीम नहीं देख रही है, ये देख रही है ये थोड़ा उधर की तरफ जा रहे हैं, ड्रोन की मदद से जाना पड़ेगा, बट जैसे ही मॉल के क्लोज पहुँचते हैं तो मैं उसी वक्त ड्रोन व्यू दिखा दूंगा यार आप, तब तक आपको वहीं पे लेके चलता हूँ वो फाइट के ऊपर ही पोर्ट के इलाके की तरफ, बिकॉज ऑफ टीम सिंक्रोनाइज का जो एक प्लेयर है वो नॉकआउट हो चुका है, प्लस फिनिश आउट भी होता हुआ दिखाई देने वाला है वो प्लेयर, ओ माय गॉड टीम V4 की बात करें जाए उनके खाते में 4 kill points तो है, वो प्लेयर किससे फिनिश आउट हुआ ये मेरे को अभी तक नहीं पता चला, बट फिलहाल कोबरा की बात करें जाए आई थिंक सो जी हाँ, उन्होंने यहाँ पे वो प्लेयर को फिनिश आउट करा एंड जो एक किल पॉइंट अपने खाते में डालते हुए दिखाई जरूर से देने वाले, मॉल के इलाके की तरफ ये जो प्लेयर हैं वो पढ़ते हुए दिखाई जरूर से देने वाले, बट फिलहाल आपको लेके चलते हैं मॉल के इलाके की तरफ, बिकॉज आई नीड टू सी दैट मॉल्स ब्यूटी, हाँ मॉल की जो ब्यूटी है वो देखना जरूर से चाहूँगा, क्योंकि एक नया अपडेट आया भाई, डबल स्पीड नहीं है क्या इसमें? ओ माय गॉड देखो गाइस दूर से कितना अच्छा लग रहा है यार मॉल, कितना टाइम लगेगा इसको जाने के लिए भाई, अरे 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 ओ माय गॉड देख रहे हो ग्रीनरी भाई, देखो भाई सॉरी आगे से दिखाता हूँ, रुक जा अभी अभी व्यू नहीं दिखाऊंगा, अभी व्यू नहीं दिखाऊंगा, आगे से दिखाऊंगा अचानक से, अबे ये क्या दिख रहा है, नहीं दिखाना उसको, यस ओके 1 2 3 गो, ओ माय गॉड भाई साहब, ओ भाई क्या मजेदार भाई बना रखा, इतना मतलब सुंदर बना दिया भाई इन्होंने तो एकदम से, देखो 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 द मॉल, ओ भाई साहब लाइन फ्रेंड स्टोर, ओ भाई साहब नेक्स्ट जन की यहाँ पे फाइट जरूर से हो चुकी है, नेक्स्ट जन के ऊपर मैं लेके जाना चाहूँगा, ये बाद में दिखाते हैं यार आपको ब्यूटी थोड़ी सी, नेक्स्ट जन के ऊपर अगर आपको लेके जाया जाए तो फिलहाल उनके जो प्लेयर हैं एक नॉकआउट जरूर से देखने के लिए मिल रहा है, बाकी प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करते हुए एक नॉकआउट निकाला जरूर से जाएगा ये प्लेयर्स के द्वारा, वो प्लेयर के ऊपर यहाँ पे फिनिश आउट भी किया जाएगा, वो यहाँ पे सोलो प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले, दो प्लेयर नॉकआउट हैं, आखिरी खिलाड़ी को क्या यहाँ पे नेक्स्ट जन के जो प्लेयर हैं वो फिनिश आउट करना चाहेंगे यहाँ पे, रिएक्शन के ऊपर अगर आपको लेके जाया जाए तो फिलहाल रिएक्शन यहाँ पे जो मौली करने की कोशिश उनके द्वारा जरूर से रहने वाली, बट फिलहाल वॉइड बहुत ही पीछे फॉलबैक जरूर से कर चुके हैं उनके द्वारा, यहाँ पे जो एक क्लोज इन जरूर से करना चाहिए जी हाँ, नेक्स्ट जन रिएक्शन की बात कर जाए उनके द्वारा जो क्लोज इन जरूर से होनी चाहिए, बट फिलहाल जो प्लेयर्स हैं उनके वो यहाँ पे जो एक प्लेयर्स के द्वारा जो एक नज़रिया देखने के लिए मिल रहा है, एक रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है टूवर्ड्स दैट प्लेयर वॉइड, उनके ऊपर थोड़ी दिक्कतें जरूर से बनने वाली है, रोल्स रॉयस की बात कर जाए वो इनके पास है, एक अमीरी देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है, बट फिलहाल रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे प्लेयर को फिनिश आउट करा जाएगा, आखिरी खिलाड़ी वो देखने के मिला जरूर से था आपको, एंड वो फिनिश आउट करते हुए टीम नेक्स्ट जन के प्लेयर्स 2 kill points यहाँ पे रिएक्शन के खाते में देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं, इसी समक्ष आखिरी खिलाड़ी को फिनिश आउट करा है एंड 4 kill points के जो हकदार रहे जरूर से हैं ये पूरी की पूरी टीम, टीम नंबर 12 की बात कर जाए वो यहाँ पे जो थोड़ा इलाका लूटते हुए दिखाई जरूर से देने वाले हैं, टीम सिंक्रोनाइज की बात कर जाए क्या उनकी फाइट अभी भी हुई है वहाँ पे या फिर नहीं,
क्वाइट अभी इंगेज नहीं हुए हैं, थोड़ा दूर दूर मेरे को दिखा इस रूसे देने वाले ये प्लेयर्स। और फिलहाल मॉल के इलाके की तरफ फिर से आपको लेके जाना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ मैंने ब्यूटी नहीं देखी। जल्दी से चलो यार मॉल के इलाके में, मैं ब्यूटी देखूंगा यार पहले, ठीक है। शॉर्टकट रास्ता पड़ेगा पानी, पानी बीच पानी से बीच में से मैं अभी तक अपडेट नहीं किया, देखना है कैसा बनाया है। अरे अच्छा बनाया है यार, खतरनाक लेवल बना दिया यार। फटाफट से लाइक दबा दो यार, ब्यूटी अच्छी लग रही हो तो भाई मॉल की। अंदर नहीं गया अभी तो फिलहाल, ये बाहर से दिखाया था मैंने। ओके सो यहाँ पे ये ब्यूटी है। ओह माय गॉड, ओ कारपेट बिछा रखे हैं भाई। ओके ऑक्शन ऑक्शन लगा रखे भाई फुल। अरे 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 गुड्डू भैया, ओ रूम्स भी अच्छे बना दिए यार, रूम्स भी खतरनाक बना रखे हैं। ऊपर वाला फ्लोर चेक करा जाए, ओ भाई साहब क्या ब्यूटी है यार, मतलब अलग लेवल। एक अच्छा काम कर रहा ये, अच्छा काम करा। बट ये 64 की लॉबी जो, ओ भाई ये देख रहे हो नकली घास लगा दिया भाई। अरे ऐसा ही बना दो यार मॉल को बेंच, ऐसा ही बना दो ना मॉल को यार, क्या गजब लग रहा है भाई। ओ माय गॉड, अच्छा ये एरिया दिखाना, ये स्टोर बनाया था ना इन्होंने कोई, हाँ लाइन फ्रेंड्स। ओ भाई साहब ओके सर, यहाँ पे कोबरा का नॉकआउट एक्चुअली मिल चुका है, बस यहाँ पे इतना ही दिखाना था। जो ब्यूटी थी दिखा दी, कोबरा का नॉकआउट दिया जाता है प्लस फिनिश आउट करा जाता है दूसरे कोबरा के द्वारा। जो नॉकआउट है साइफर के द्वारा दिया जाता है, फिनिश जो है वो हमारी टीम सिंक्रोनाइज करती हुई दिखाई देने वाली है। यहाँ पे जो एक हिटमैन है वो, उनको अभी अभी जस्ट रिवाइव मिला है। रेक्सी की बात कर जाए वो यहाँ पे दिक्कतों में क्रिएट, जो दिक्कतें क्रिएट होती हुई उन पर दिखाई जरूर से देने वाली है। दो प्लेयर नेक्स्ट जन के सोलो, जो सॉरी जो हमारी सिंक्रोनाइज की टीम के प्लेयर देखने के लिए मिलेंगे। नॉकआउट मिल चुका है हमारे रेक्सी को, उनको यहाँ पे फिनिश आउट करने की कोशिश रहेगी। बट फिलहाल सोलो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करते हुए, शिकारी क्या यहाँ पे 1v3 कर पाएंगे। यहाँ पे प्लेयर के ऊपर नेड आता हुआ दिखाई देगा, सॉरी नेड नहीं एक्चुअली वो पॉइजन स्मोक था। फिलहाल के लिए वो प्लेयर के द्वारा जो एक नजरिया था देखने के लिए मिल रहा था वो यहाँ पे ही खत्म होता है, बिकॉज ऑफ आखिरी खिलाड़ी था उनको यहाँ पे फिनिश आउट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। कोबरा आए जरूर से, कोबरा के द्वारा एक प्लेयर को नॉकआउट करा गया था। हिटमैन यहाँ पे नॉकआउट जरूर से हो जाते हैं, कोबरा को यहाँ पे नॉकआउट करा जाएगा। बट फिलहाल जो सिंक्रोनाइज की टीम थी, कोबरा का किल भी उठाया उन्होंने, एंड जो दो प्लेयर आखिरी के रह चुके थे हमारे उनका किल भी उन्होंने उठा के अपने खाते में जो 3 किल पॉइंट डाले जरूर से हैं। बट फिलहाल टीम नेक्स्ट जन उनकी जो फाइट है वो इंगेज जरूर से हो चुकी है। आपको लेके चलते हैं फिर से नेक्स्ट जन के ऊपर, बिकॉज ऑफ जो दरकार जरूर से रहने वाली है किल पॉइंट अपने उठाने जरूर से चाहेंगे। ये प्लेयर्स 21 लाइक्स हो चुके हैं, लेट्स गो फॉर द 30 लाइक्स गाइस। जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक दबा देना, एंड एलिमिनेशन राउंड आपका इस मैच के बाद जरूर से शुरू होना है। सो देर मत करना, आ जाना स्ट्रीम के ऊपर, हमारी जो वॉचिंग आनी चाहिए 25-30 की वॉचिंग आनी चाहिए। लेट्स गो गाइस, फटाफट से आ जाना गाइस, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके सो यहाँ पे जो टीम है टीम नंबर 7 देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। सामने राइजिंग स्टार की टीम, रिएक्शन को यहाँ पे स्पॉट करा, जो रिएक्शन के द्वारा प्लेयर्स को स्पॉट करा जाएगा। एंड हेलन को यहाँ पे नॉकआउट मिल चुका है द्वारा हमारे जो नेक्स्ट जन की टीम है, एंड उनके द्वारा यहाँ पे जो एक रशियन जरूर से प्लान होता हुआ दिखाई देने वाला है। ऋत्वी यहाँ पे जो गाड़ी में बैठे जरूर से रशियन करते हुए दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट जन के जो प्लेयर हैं वो यहाँ पे जो है एक डायरेक्ट स्लैम देते हुए दिखाई देने वाले हैं टीम नेक्स्ट जन। रिएक्शन की बात कर जाए, उनके हाथ में यहाँ पे बैरल देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है। 3x उनके बैरल पे लगा जरूर से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर से रहने वाले। बट बाकी के प्लेयर्स की बात कर जाए, हेलो नॉकआउट है, नेड्स यहाँ पे लगातार कोशिश जो हो रही है हमारी टीम नंबर 7 की तरफ से। नेड आया जरूर से, एंड एक अच्छा कनेक्शन बनाया जरूर से हमारे रिएक्शन भैया के ऊपर। बट फिलहाल 3 प्लेयर्स सामने हैं, 4 प्लेयर्स दिए हैं, 3v4 का ये सिचुएशन कैसे हैंडल कर पाएगी हमारी टीम राइजिंग स्टार, कैसे जो एक एंगेजमेंट कर पाएगी इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर। फिलहाल रिएक्शन यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। बट एक नेड जाता हुआ, बट कोई भी कनेक्शन हमारी टीम जो राइजिंग स्टार को बनता हुआ दिखाई नहीं देने वाला। राइजिंग स्टार के ऊपर एक दिक्कतें जरूर से क्रिएट हो रही हैं। टीम नेक्स्ट जन के 47 की बात कर जाए, अगर उनके द्वारा यहाँ पे जो एक एंगल बनाया जाता है अच्छा वाला, तो मे भी दिक्कतें जरूर से क्रिएट कर सकते हैं ये प्लेयर्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ जो एक जो प्लेयर्स हैं वो शेक के अंदर हैं, अंदर मेरे को देखने के लिए मिल रहे। सौरभ की बात कर जाए वो यहाँ पे जो एक अच्छा ओपन एरिया पे देखने के लिए मिल रहे थे ऊपर छत पे, बट फिलहाल जो एक कवर आउट जरूर से लिया क्या है। रिएक्शन के द्वारा एक प्लेयर नॉकआउट जरूर से करा जाता है, रिएक्शन है एक्चुअली वो ऋत्वी के द्वारा नॉकआउट करा जाता है। बट ऋत्वी की बात करी जाए वो भी रिटेलिएशन में नॉकआउट जरूर से हो जाते हैं। रिएक्शन की बात करी जाए
उनके समक्ष प्लेयर देखने के लिए जरूर से मिलने वाला, दो किल पॉइंट इनके खाते में, नेड करने की कोशिश जरूर से रहने वाली ये प्लेयर के द्वारा, ये प्लेयर के ऊपर यहाँ पे रशीन होता हुआ दिखाई दे जरूर से रहा था, बट वोल्वरिन को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए हमारे रिएक्शन देखने के जरूर से मिलने वाले, सोलो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 7 के वो प्लेयर, राइजिंग स्टार के वो प्लेयर, नेक्स्ट जन के साथ यहाँ पे फाइट जरूर से होती हुई दिखाई दे रही है, बट वो प्लेयर के ऊपर यहाँ पे रशीन करना भी रहेगा एक आस्पेक्ट, अपने प्लेयर को देना रिवाइव रहेगा एक जो उनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट फिलहाल 1v1 लेने जा जरूर से रहे हैं, मोली यहाँ पे करी जरूर से गई है वो प्लेयर के द्वारा, बट वो प्लेयर है जो रूफटॉप पे जाना जरूर से रहेगा, अगर रूफटॉप पे गए तो हमारे नेक्स्ट जन के 47 जो है हमारे प्लेयर उनके द्वारा थोड़ी सी दिक्कतें जरूर से क्रिएट होने वाली है, बट फिलहाल पॉइजन ग्रेनेड करना जरूर से चाहा बट नाकामयाब रहे वो ग्रेनेड करने के लिए, बट फिलहाल सौरभ की बात कर जाए उनके द्वारा यहाँ पे जो एक अच्छा जो है एक लगा दिया गया है, बट रिएक्शन यहाँ पे अपने बैरल की दरकार जरूर से रहने वाली है, रिएक्शन यहाँ पे वो प्लेयर को भी फिनिश आउट जरूर से करके जाते हुए, उनके द्वारा शील्ड क्रिएट करी जरूर से गई थी कि किसी प्लेयर को ऊपर नहीं आने देना, बट फिलहाल रिएक्शन है तो कुछ भी है यहाँ पे, रिएक्शन के द्वारा एक अच्छा एंगल बनाया गया, वो एंगल से यहाँ पे जो प्लेयर को देखा गया एंड फिनिश आउट करा गया, इसी समक्ष 8 kill points अपने खाते में पूरी की पूरी टीम डालती हुई, जिनमें से 4 kill points मेरे को टीम नेक्स्ट जन रिएक्शन के देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। क्रिमिनल की बात कर जाए उनके जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे नॉकआउट होते हुए दिखाई देने वाले हैं, रिटेलिएशन में क्रिमिनल के द्वारा भी यहाँ पे जो है प्लेयर्स को फिनिश आउट करा जरूर से जा रहा है। टीम नंबर 6 के ऊपर अगर आपको लेके जाया जाए, टीम जो हमारी U4G के ऊपर अगर आपको लेके जाया जाए, तो फिलहाल उनके द्वारा जो टीम हमारी थी टीम नंबर फोर जो हमारी डायरेक्ट रश की टीम थी उनको यहाँ पे फिनिश आउट जरूर से करके जाया जाता है, एंड इसी समक्ष प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट जरूर से करना चाहेंगे। टीम ऑपरेसिव की बात कर जाए उनके जो प्लेयर है वो नॉकआउट होते हुए दिखाई देने वाले हैं, बट फिलहाल आंधी के द्वारा यहाँ पे एक शॉट लिए जरूर से जा रहे हैं टीम नंबर 8 के ऊपर। टीम नंबर 8 जो हमारी बजरंग दल की टीम देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है आपके समक्ष, जिनका आज मैच है हमारे नेक्स्ट जन की टीम के साथ, एक अच्छा वार्म अप हुआ जरूर से होगा इन दोनों ही मैचेस के अंदर, एंड जब भी अरेना आएगा देखने वाली बात रहेगी, कांटे की टक्कर आज होने वाली है, बट फिलहाल अभी भी जो वोट आउट है वो नेक्स्ट जन के खाते में है। हमारी जो चैट में 84% ऑफ पीपल्स आर स्टिल विद द टीम नेक्स्ट जन, उनको लगता है कि आज नेक्स्ट जन ही जीत के जाएगी, एंड जो बाकी के प्लेयर्स हैं जैसे कि जो बाकी के व्यूअर्स हैं एक्चुअली वो यहाँ पे जो है बजरंग दल टीम को यहाँ पे एक वोट आउट जरूर से देना चाहेंगे। 16% वोट आउट जो है बजरंग दल की टीम को जरूर से जाता हुआ दिखाई देने वाला है। एक प्लेयर फिनिश आउट जरूर से हो चुका है हमारे टीम ऑपरेसिव का, बट फिलहाल क्रिमिनल उनके द्वारा यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट जरूर से करा जाएगा, प्लेयर को स्पॉट करा जरूर से एक नॉकआउट देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है। जी हाँ, एक नॉकआउट, दूसरा नॉकआउट यहाँ पे क्या आ सकता है, दूसरे नॉकआउट करना जरूर से चाहेंगे, बट फिलहाल यशो के द्वारा वो एक रिटेलिएशन में एक अच्छा रिफ्लेक्स दिखाते हुए वो प्लेयर को यहाँ पे जो नॉकआउट करके जाते हुए दिखाई जरूर से देने वाले हैं, बट फिलहाल ये जो प्लेयर है एक पेड़ का कवर लेते हुए दिखाई देने वाले, यशो के द्वारा प्लेयर को स्पॉट करा गया है, नॉकआउट करने की कोशिश उसे रहने वाली थी, बट फिलहाल एक HP ये प्लेयर जो सर्वाइव करता हुआ दिखाई देने वाला है, बट पनिशर आएंगे यहाँ पे एंड वो बंदे को पनिश जरूर से करके जाएंगे। उनके द्वारा जो प्लेयर को नॉक प्लस फिनिश आउट करा गया है, बट फिलहाल टीम नंबर 6 बख्शने वाली नहीं है उस प्लेयर्स को, क्योंकि जो है रशिन होता हुआ दिखाई देने वाला है। क्राउन डेथ की बात कर जाए उनके ऊपर यहाँ पे दिक्कतें जरूर से क्रिएट होने वाले, बिकॉज ऑफ सोलो प्लेयर यहाँ पे रह चुके हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं एक एक करके जो फिनिश आउट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो 420 ओपी की बात कर जाए उनके ऊपर यहाँ पे एक अच्छा नेट जाता हुआ दिखाई देने वाला है। जो पनिशर है वो बहुत कम HP है, उनके ऊपर अगर रशिन होता है तो उनके ऊपर दिक्कतें क्रिएट कर सकते थे, एक भी गोली टच नहीं हो। इसी समक्ष पनिशर जो है वेक्टर का जो दरकार उनके द्वारा देखने के लिए मिली वो प्लेयर को भी फिनिश आउट करके जाती हुई दिखाई जरूर से देने वाली है। अपने प्लेयर की कैजुअलिटी जरूर से, बट फिलहाल 7 kill points अपने खाते में डालते हुए दिखाई जरूर से दी है ये पूरी की पूरी टीम। एक जोन है जो हार्ड शिफ्ट ले चुका है, एंड जो जोन के अंदर टीम मेरे को दिखाई दे रही है टीम नंबर 2, टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 12, टीम ऑपरेसिव, टीम ओथी स्पोर्ट्स एंड टीम S4M देखने के लिए जरूर से मिलने वाले। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको जोन के अंदर आना रहेगा, उनका भी एक आस्पेक्ट। 8 teams आर स्टिल अलाइव इन दिस लॉबी, बट फिलहाल ये बहुत गंदा काम करा है यार इन्होंने कि 64 की लॉबी रखी है यार। आई डोंट नो व्हाई, बट इनका यही मोटिव है, मैं तुमको बता दूं, इनका यही मोटिव है कि जो प्लेयर्स है रश करके ना खेले, होल्ड करके रखे कि आखिरी में इंटेंसिटी ज़्यादा मिले, क्योंकि ये जो गेम है वो पबजी PC टाइप है थोड़ी, एंड ये रश करने के लिए बनी नहीं है, ये मिड रेंज फाइट करने के लिए बनी है गेम एक्चुअल में बताऊँ तो। वो तो बात अलग है तुम रश करके मार देते हो या कुछ है, बट मिड रेंज के लिए यार ये फाइट बनी है। और एक ये बात होगी प्लस, ये गेम FPP के लिए बनी है, मैं सही बताता हूँ। FPP ये गेम का अलग लेवल होने वाला है अगर कॉम्पी आया FPP में, बट फिलहाल कोई भी कॉम्पी है ही नहीं जो बेंच ऑफ इंडिया में FPP चले। TPP चलता है तो क्या ही कर सकते हैं, प्लेयर्स को भी TPP खेलना पसंद है क्योंकि उनको पता है वहाँ पे कैंप वैम्प भी कर सकते हैं। FPP में कैंप काहे का यार,
फुटस्टेप नहीं देंगे वो बात अलग है, बट फिलहाल टीपीपी का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे। टीम नंबर 9 की बात कर जाए, उनके यहाँ पे जो एक जो रशियन आता हुआ दिखाई जरूर से देने वाला है टूवर्ड्स द टीम U4G। टीम नंबर 9 की बात कर जाए, सिंक्रोनाइज की टीम देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है। 4 किल पॉइंट उनके खाते में नहीं है, एक्चुअली 3 किल पॉइंट देखने के लिए मिलने वाले, 4 किल नहीं 4 प्लेयर देखने के लिए जरूर से मिलेंगे। स्मोक के ऊपर यहाँ पे नॉकआउट देखने के लिए मिला ये प्लेयर के द्वारा, बट नेक्स्ट जन की जो टीम है वो यहाँ पे रुकने वालों में से नहीं है। किल फील्ड में उनका अभी नाम देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है मेरे को। क्रिमिनल को अभी अभी रिवाइव जरूर से दिया गया है, बट फिलहाल स्मोक को यहाँ पे फिनिश आउट करते हुए दिखाई देने वाले टीम सिंक्रोनाइज के प्लेयर। एक नेट जाता हुआ माइकल को यहाँ पे नॉकआउट लेके जाता हुआ दिखाई देने वाला है, बट वेक्टर की दरखास्त जरूर से रही थी हमारे ब्लेजिंग गॉड के ऊपर हमारे पनिशर भैया की, बट वो पनिश नहीं कर पाए। U4G के 420 ओपी की बात कर जाए, उनके द्वारा यहाँ पे दो प्लेयर को नॉकआउट करा गया। 2v3 का ये सिचुएशन था जो हमारे 1v3 में बदल चुका है, जो प्लेयर है वो रिवाइव आउट जरूर से हो चुका है, बट कोबरा यहाँ पे जो चार्जिंग जरूर से करना चाहेंगे वो प्लेयर के ऊपर यहाँ स्पॉट करना चाहेंगे, एंड आखिरी खिलाड़ी को भी यहाँ पे फिनिश आउट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो हिट हमारे क्रिमिनल थे वो हवा में ही फिनिश आउट कर दिए गए हैं, बट फिलहाल नेक्स्ट जन की जो टीम है उनके द्वारा यहाँ पे 11 किल पॉइंट उठाए जरूर से गए। सामने टीम नंबर 2 के प्लेयर को स्पॉट जरूर से करा गया है, उनके ऊपर दिक्कत जरूर से क्रिएट करी जा रही है, अच्छे कनेक्शन बनाए गए हमारे 47 की तरफ से, बट फिलहाल के लिए कोई भी नॉकआउट देखने के लिए हमें नहीं मिला ऑन द टीम नंबर 2 टीम ऑन दिस पोस्ट के ऊपर। ओके सो टीम 3 की बात कर जाए, वो यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाली एक प्लेयर की जो कैजुअलिटी मिल जरूर से चुकी, बट फिलहाल के लिए कि जो कवर आउट था वो छोड़ के एक अलग कवर आउट जरूर से लेना चाहिए। उनको पता है अगर एक ही वो जगह के पीछे चार चार तीन दो दो तीन तीन प्लेयर्स रहेंगे तो दिक्कत जरूर से होने वाली, अलग अलग एंगल जरूर से क्रिएट करना चाहेंगे। बट रीपर FTW उनके द्वारा यहाँ पे शॉट जरूर से लिए जा रहे हैं ऑन द टीम ऑपरेसिव के आंधी वाइटी। एक अच्छा जो हिट दिया गया है इनके द्वारा, इन गाड़ी के द्वारा ही जहाँ पे उतार दिया गया ये प्लेयर के द्वारा, व्हाट वो गाड़ी के द्वारा जो आंधी को यहाँ पे जो नॉक करा गया है बहुत ही काबिले तारीफ। एक जो स्प्रे गई है हमारी डीपी की, हेड कनेक्शन जरूर से क्रिएट हुआ है, बट रिथ्वी इन द मीनवाइल वो यहाँ पे जाते हुए दिखाई जरूर से देने वाले प्लेयर सामने हैं, एंड दिक्कतें जरूर से बनाना चाहेंगे। 20 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव, 6 टीम्स अभी भी अलाइव, 14 की वॉचिंग आ रही है। लेट्स गो फॉर द 25 लाइक गाइस, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट जो 25 लाख का गोल है वो कंप्लीट करा दो, देन अपन 30 लाइक्स के लिए जरूर से जाना चाहेंगे। बट फिलहाल के लिए प्रकाश ओपी के द्वारा यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट करा जा रहा है, प्लेयर्स के ऊपर दिक्कतें जरूर से क्रिएट करना चाहेंगे। 47 जो है आपको समक्ष देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है, बट वो प्लेयर जो रित्वी की बात करी जाए, रित्वी था या रीपर FTW आई डोंट नो कौन सा था जिन्होंने आंधी को यहाँ पे निकाला यार। एक अच्छा डीपी का स्प्रे देखने के लिए मिला एंड बहुत ही खतरनाक। पिछले मैच की बात करी जाए, पिछले मैच में भी हमें एक अच्छा डीपी का स्प्रे देखने के लिए मिला था विक्टर की तरफ से, टीम हमारी जो थी एलिमेंटल्स की तरफ से, बट फिलहाल के लिए आपको लेके चलते हैं टीम ऑफिस पोस्ट के ऊपर, बिकॉज उनके द्वारा यहाँ पे शॉट जरूर से लिए जा रहे हैं। नॉडी यहाँ पे जो शॉट क्रिएट जरूर से करा जा रहा है उनके तरफ से वो प्लेस के ऊपर, टीम नेक्स्ट जन के जो प्लेस है उनके ऊपर, और फिलहाल गाड़ी यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा लो HP देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है, एंड बस्ट आउट होते हुए दिखाई जरूर से दे सकती है, बट फिलहाल इतनी भी ज्यादा कम HP नहीं है। बट टीम नंबर 9 की बात करी जाए, टीम सिंक्रोनाइज की बात कर जाए, एक अच्छा एरिया उन्होंने होल्ड जरूर से करना चाहा है, बट फिलहाल के लिए एक एज पकड़ा है एक्चुअली, एंड एज पकड़ा जरूर से है, जोन के अंदर जाना रहेगा एक आस्पेक्ट, बट फिलहाल जोन ट्रिकी है, पता नहीं किस साइड बननी है एंड किस साइड नहीं। अगर ये साइड बन गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, हार्ड शिफ्ट लेती हुई दिखाई जरूर से दे सकती है मोस्ट प्रोबेबली। बट फिलहाल टीम नंबर 2 के जो प्लेयर्स हैं उनके पास 0 किल पॉइंट, 0 कैजुअलिटी, बट देखने वाली बात है कैसे ये इंगेजमेंट करते हैं आगे जो फाइट्स के अंदर। सॉरी गाइस, 17 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो फॉर द 30 लाइक्स गाइस। जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर से दबा देना चैनल का। ओके, डीऑक्सी के द्वारा यहाँ पे एक नॉकआउट जरूर से निकला है टीम नेक्स्ट जन के ऊपर, रीपर FTW को नॉकआउट करा गया एक्चुअली, एंड उनको यहाँ पे लॉकी के द्वारा फिनिश आउट भी करा गया है। वो प्लेयर का जो किल पॉइंट अपने खाते में डाला जरूर से गया है, बट जोन जो है शिफ्ट होती हुई दिखाई देने वाली है, एंड इसी समक्ष टीम ऑपरेसिव एंड टीम सिंक्रोनाइज के ऊपर दिक्कतें जरूर से होने वाली है, बिकॉज ऑफ उनको यहाँ पे जोन के अंदर जाना रहेगा एस्पेक्ट, बट नेक्स्ट जन के जो प्लेयर्स हैं एक एक करके वो यहाँ पे नॉकआउट प्लस फिनिश आउट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। 2 नॉकआउट हो चुके हैं, 1 फिनिश आउट हो चुका है, 47 यहाँ पे सोलो प्लेयर दिखाई जरूर से देंगे एंड अपने प्लेयर को रिवाइव आउट देना जरूर से चाहेंगे। बट फिलहाल प्लेयर को रिवाइव आउट दिया जरूर से गया है, प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट आउट भी करा गया है, बट क्रिएट जो दिक्कतें हैं इनके ऊपर ही होने वाली है, लगातार लगातार जो शॉट्स हैं इनके ऊपर आने वाले हैं। बट फिलहाल अगर ये जो एक अच्छा अपर एरिया का जो जो रिज का एरिया वो होल्ड कर लेते हैं तो मे भी ये दिक्कतें बना पाएं सिंक्रोनाइज टीम के ऊपर, या फिर उनको यहाँ पे जो एक जोन क्रिएट करने ना देंगे। बट फिलहाल टीम नंबर 13 की बात करें, 2 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव इनके दिक्कत जरूर से रहे हैं, एंड बाकी प्लेयर्स की बात कर जाए, टीम नंबर 2 की बात कर जाए, 4 प्लेयर्स उनके भी सर्वाइव करते हुए दिखाई जरूर से देंगे मेरे को।
ओके सो एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट शुरू से हो चुका है हमारी टीम ओथ स्पोर्ट्स का कोबरा के द्वारा, आई थिंक तो कोबरा ही था, जी हाँ कोबरा के द्वारा। एंड जो आखिरी खिलाड़ी था उनको भी फिनिश आउट करा जाता है जाट के द्वारा, वो प्लेयर को नॉकआउट करा जाता है, फिनिश आउट करा जाता है। बट जाट यहाँ पे सोलो प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई शुरू से देने वाले, इनके द्वारा यहाँ पे एक जो एक स्पॉट शुरू से करा जा रहा है प्लेयर्स को, पांचवा फेज बन चुका है। 16 टीम्स आर स्टिल अलाइव, टीम ऑपरेसिव वर्सेस टीम सिंक्रोनाइज देखने के लिए दोस्तों मिलने वाला है। कोबरा की बात कर जब वो यहाँ पे जो एक गाड़ी घुमाते हुए दिखाई देने वाले, प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करा गया है। बट फिलहाल स्मोक के अंदर कूदे जरूर से प्लेयर के ऊपर यहाँ पे दरखास्त जरूर से रहने वाली है, वो प्लेयर को नॉकआउट करेंगे। इसी क्षण वो प्लेयर फिनिश आउट भी होता हुआ दिखाई जरूर से देने वाला है। सामने एक प्लेयर है प्रकाश ओपी के द्वारा, एक अच्छा नॉकआउट देखने के लिए मिला है कोबरा के ऊपर। एंड कोबरा को यहाँ पे जो है नॉकआउट करा जाएगा, फिनिश आउट करने की दरकार रहने वाली। बट प्रकाश ओपी मीनवाइल उनके जो खेल है वो यहाँ पे जो है किसी और ने उठा लिया है। सामने जो टीम है उनको यहाँ पे दो नॉकआउट देने में सक्षम जरूर से रहे हैं। ब्लेजिंग कोड यहाँ पे रशिंग करते हुए दिखाई देने वाली ये टीम के ऊपर। बट फिलहाल विपिन के द्वारा वो प्लेयर को भी पिकऑफ जरूर से करा जाएगा। बट फिलहाल टीम नेक्स्ट जन उनके जो प्लेयर है लगातार दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश उनके द्वारा जरूर से हो रही है। Tomorrow we will join with four players. Sorry for today. हाँ कोई दिक्कत नहीं, because of आज यार पढ़ना ही था सीन, आई नो क्योंकि नया अपडेट आया तो थोड़ा टीम और टीम नेक्स्ट जन इज रेडी टू प्ले मैचेस टुमारो इफ देयर इज मैच टुडे। है क्या बोल रहा है ये शेडो? फ्राइडे लिखा हुआ शेड्यूल में एज वी आर बिजी टुडे टीम बजरंग दल IGL हेयर। भाई IGL यहाँ पे मैंने तो बता रखा है ना, मैंने शेड्यूल की बात नहीं करी, मैंने उनको बोल रखा है आज, उन्होंने ओके बोल रखा है यार कि हाँ भाई खेल पाएंगे। बट कल नहीं हो पाएंगे यार मैचेस बजरंग दल भाई, कल नहीं हो पाएंगे मैचेस बिकॉज ऑफ कल मेरे को सेमीफाइनल कराना है भाई। आई कांट शेडो भाई, आई डोंट नो वाई बट आई कांट। इससे अच्छा आप खेल लो, चाहे दो प्लेयर ही खेल लो, तीन प्लेयर ही खेल लो, बट खेल लो, डिस्क्वालीफाई होने से अच्छा है। शेड्यूल कहाँ पे यार, शेड्यूल में गलती हो गई होगी यार, रुक जाओ मैं देखता हूँ शेड्यूल में। ओ फ्राइडे, ओ रुक जाओ, थर्सडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, ओ थर्सडे एंड फ्राइडे लिख दिया। बट वो थर्सडे वाला दिन भी वेनसडे करा ना, तो फ्राइडे वाला भी तो, ओ यार सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मैं इसको चेंज नहीं करा, ऐसे ही रहने दूंगा, मिस्टेक है मेरे को पता है, आपको भी देखना चाहिए। बट फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाना प्लीज़, आज जो मैचेस है उसको प्लीज़ ले लेना यार, क्योंकि कल से सेमीफाइनल है। मेरे को नहीं पता था मेरे से गलती हुई, आप पहले बता देते थोड़ा सा, मतलब यहाँ कुछ भी, चलो कोई दिक्कत नहीं, आज आ जाना। बट फिलहाल तीन प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले हैं, एंड एक प्लेयर नॉकआउट हो गया है हमारी टीम ओथ स्पोर्ट्स का। 5 किल पॉइंट इनके खाते में देखने के लिए जरूर से मिलने वाले, एक अच्छा कंपाउंड, एक अच्छा एज एरिया पकड़ा जरूर से। बट फिलहाल टीम नंबर 12 की बात करिए, वो यहाँ पे सेंटर ऑफ द जोन देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जन के 47 की तरफ से यहाँ पे एक प्लेयर नॉकआउट हुआ जरूर से, उनको क्या फिनिश आउट देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे? नहीं बिकॉज ऑफ, जी हाँ एक्चुअली बिकॉज ऑफ एक अच्छा स्प्रे आता हुआ 47 की तरफ से यहाँ पे दो प्लेयर को नॉकआउट करता हुआ जाएगा। एंड टीम नंबर 12 के ऊपर दिक्कतें जरूर से क्रिएट होने वाली है, टीम जो हमारी टीम नंबर 9 है सिंक्रोनाइज की टीम है, जो उनके जो एक प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले। ब्लेजिंग गॉड की बात करी जाए तो वो सोलो प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले, बट क्रेजी ADYT उनकी बात करी जाए वो जो प्लेयर है दिक्कतें क्रिएट करते हुए दिखाई देने वाले टीम्स के ऊपर। टीम नंबर 12 की बात करी जाए एक जो प्लेयर है उनका फिनिश आउट हो चुका है, एक प्लेयर नॉकआउट जरूर से देखने के लिए मिलेगा। बट सिंक्रोनाइज की बात की जाए वो यहाँ पे जोन के अंदर है, जोन के अंदर से जो सॉरी बाहर से अंदर आना पड़ेगा एंड अपने आप को हील अप जरूर से करना चाहिए इनको। बट फिलहाल अगर पोजीशन रिवील करेंगे तो दिक्कतें इनके ऊपर होने वाली, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट जोन देखना पड़ेगा इनको कहाँ बनने वाली है। जी हाँ नेक्स्ट जोन थोड़ा सा शिफ्ट जरूर से हो चुका है टुवर्ड्स द टीम नेक्स्ट जोन एंड टीम नंबर 12 जो है हमारी टीम S4M। टीम S4M की बात करें लोकी यहाँ पे सोलो प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले, लेटेस्ट जरूर से हैं, थोड़ा सा TPP का इस्तेमाल जरूर से करना चाहेंगे, सोलो प्लेयर रह चुके हैं, ये सोलो प्लेयर हैं और एक ही किल पॉइंट देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है इनके खाते में। टीम ओथ स्पोर्ट्स 7 किल पॉइंट इनके खाते में दिखाई जरूर से दे रहे हैं। एंड सामने जो टीम है टीम नेक्स्ट जन तीनों प्लेयर सर्वाइव जरूर से हो चुके हैं। प्लेयर्स की बात करी जाए तो बाकी जो अभी अभी जस्ट रिवाइव हुए क्या उनको यहाँ पे लूट मिली या फिर नहीं? जी नहीं, जो रीपर FTW उनको यहाँ पे लूट जो नहीं मिली है। 13 जो किल पॉइंट इनके खाते में जरूर से देखने को मिलेंगे। एंड चार टीम्स आर स्टिल अलाइव, 8 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव इन दिस लॉबी। भाजी टीम नहीं है मेरे पास, मैं कैसे खेलूँ स्क्रीम्स? वेलोसी रेक्स भाई आप टीम ढूंढो यार, टीम ढूंढ के खेला जा सकता है, बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे घुसो एंड आपके पास टीम ना हो एंड आप ज्वाइन भी ना कर पाओ विद द 4 पीपल, क्योंकि अभी और सीन ख़राब कर दिया, 64 प्लेयर्स की लॉबी बना दी है। सो अगर 64 प्लेयर्स नहीं आए मैच के अंदर तो दिक्कतें तो होने वाली है ना यार, समझ रहे हो ना? 55 बंदे जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं वेलोसी रेक्स भाई, तो उसमें दिक्कत होगी। अगर 4 प्लेयर्स हैं आपके पास, आप रियली सीरियसली अगर आप खेलना चाहते हो तो आओ यार, 4 प्लेयर्स के साथ आओ। बट
सोलो या दुगो तो नहीं खेलना पाऊंगा, खेल सकते हैं अपना टीम ढूंढ लो यार, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो मेरा, वहाँ पे फाइंड प्लेयर्स का एक चैनल रहता है, वहाँ पे प्लेयर्स को नीड है, प्लेयर्स की एक्चुअली टीम्स को नीड है प्लेयर्स की, रोज़ रोज़ मैसेज आते हैं टीम्स के कि हाँ भाई हमको ये प्लेयर चाहिए, जिनके ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये फोन होना चाहिए, ये वो, तो उनके उनके साथ बातचीत करो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर खेलते हो क्लासिक वगैरह खेलो, अगर तो क्लासिक वगैरह खेलो, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ आपको, अगर आप थोड़ा सा वो हो क्या बोलते हैं न्यू हो, तो अगर आप पहले से खेल रहे हो BGMI तो सारा सब कर सबको खेलता था, बट ये गेम का थोड़ा मेटा अलग है ब्रो, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर से करना चाहिए। बट रैंडम स्प्रे यहाँ पे जाते हुए दिखाई देने वाले फ्रॉम द नेक्स्ट जन टीम, एंड टीम की बात करें 14 किल पॉइंट इनके खाते में देखने के जरूर से मिलने वाले, होते स्पोर्ट्स की बात करें 8 किल पॉइंट इनके खाते में है, तीनों प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव, 2v3 का ये सिचुएशन देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है। बट फिलहाल मैं ये देखना चाहूंगा कौन सी टीम यहाँ पे जो है विन करके जाती हुई दिखाई देने वाली है। मौली का एनिमेशन, जी हाँ यहाँ पे जो प्लेयर है रेगोपी वो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करने में सक्षम जरूर से रहने वाले, प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करा जाएगा। बट फिलहाल नेक्स्ट जन के प्लेयर जो हैं उनके ऊपर एक नेड आता हुआ, एक नेड से फटते हुए वो दिखाई जरूर से देंगे वो प्लेयर, बट फिलहाल के लिए नेड नहीं है एक्चुअली, वो थॉम्सन के द्वारा ही पिकऑफ जरूर से करा गया था वो प्लेयर को, बट वो खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पे बिल्कुल भी चौक नहीं करा जा रहा है, रिएक्शन जो बचे हुए हैं आखिरी खिलाड़ी उनके द्वारा यहाँ पे जो एक प्लेयर को नॉकआउट करने में सक्षम जरूर से रहे थे, बट फिलहाल आखिरी जो खिलाड़ी रह चुके थे वो भी यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए जाएंगे। टीम ऑथी स्पोर्ट्स यहाँ पे विनर विजन सी कंटेनर लेके जाती हुई हमारे सेकंड मैच के अंतर 10 किल के साथ। टीम नेक्स्ट जन की बात करें 14 किल पॉइंट उनके खाते में देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे टीम सिंक्रोनाइज के खाते में हमें 11 किल पॉइंट दिखाई जरूर से देंगे, वो जो टीम है एक अच्छे प्रदर्शन के साथ खेलते दिखाई देने वाली, एंड खतरनाक लेवल जो एक परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली सारी ही टीम्स के द्वारा, एक अच्छा जो मैच निखर के आता हुआ दिखाई देने वाला है। जैसा कि मैंने बोला गाइस शुरू में जो फाइट है वो थोड़ा सा अवॉइड करो प्लीज़, जो इंटेंसिटी है आखिरी सर्कल्स की प्लीज़ बना के रखो यार, प्लस शुरू के जो क्लैश है ड्रॉप क्लैश वो थोड़ा सा अवॉइड करो यार, अपने साथ बातचीत करो अपने आसपास कि हाँ भाई जो भी टीम्स आपके साथ खेलते हैं उनके साथ बातचीत करो कि हाँ भाई चलो कोई ड्रॉप नहीं छोड़ रही आप भी मत छोड़ो, बट ऐसा कर लो कि एक एरिया आप लूट लो एक एरिया वो लूट लेंगे, वहाँ से जो निकल लो फर्स्ट जोन सेकंड जोन थर्ड जोन एक प्लीज़ अवॉइड करो फाइट को, देन उसके बाद जो फाइट वो एंगेज करो कि ताकि आपका जो इंटेंसिटी है आखिरी का वो बना रहे। फन कस्टम है आज नहीं ब्रो, आज फन कस्टम नहीं है बिकॉज ऑफ आज जो है एलिमिनेशन है हमारी टीम बजरंग दल वर्सेस टीम नेक्स्ट जन का देखने के लिए शुरू से मिलने वाला है। ओके थैंक्स भाजी, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, वेलोसी गेमिंग एनी टाइम मैन, सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, तो लाइक जरूर से दबा देना अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक जो नहीं है करा, 24 लाइक्स हो चुके हैं हमारे, फटाफट से जो 25 लाइक का गोल है वो कंप्लीट करा दो, एंड अभी जो है वो जस्ट प्रोवाइड करा जाएगा IDP टू द टीम बजरंग दल एंड नेक्स्ट जन। सो ओके गाइस हमारा जो रूम है वो क्रिएट हो चुका है आपके समक्ष, प्लेस अभी जस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, फटाफट से जो ज्वाइन कर लें, एंड आप लोग प्लीज़ से शेयर कर दो स्ट्रीम को ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वॉचर्स हैं वो जल्दी से हमारे जो स्ट्रीम के ऊपर आ जाएं कि उनको जो पता चल जाए टीम नेक्स्ट जन वर्सेस टीम बजरंग दल होने वाला है जल्द ही,
फन कस्टम है आज, वो तो मैंने रिप्लाई दे दिया। 5 बजे 5 बजे मेरे चैनल पे, जी हाँ 5 बजे हिटमैन के चैनल के ऊपर आपको जो देखने के लिए ज़रूर से मिलने वाले हमारे फन कस्टम्स, सो प्लीज़ से ज्वाइन करना गाइज फटाफट से। ओनली मॉल रहता है या फिर ओनली पोचिंकी रहता है, बट मॉल में ज़्यादा मज़ा आता है एक्चुअली, एंड मॉल आज सुंदर देखने के लिए मिल रहा है, तो इवेंट के हिसाब से मॉल ही बेस्ट रहेगा आज के लिए। सो फटाफट से हिटमैन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन लोगों ने भी अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं करा है उनके चैनल को फटाफट से। और कल से हमारे सेमीफाइनल्स शुरू होने वाले हैं, कल जो टीम रहने वाली है वो हमारी रहने वाली टीम स्लिम वाइटी वर्सेस टीम हमारी जो है, आई थिंक सो टीम सिंक्रोनाइज, जी हाँ टीम सिंक्रोनाइज वर्सेस टीम स्लिम वाइटी देखने के लिए शुरू से मिलने वाला है कल हमको। एंड देखने वाली बात रहेगी कौन सी टीम कल जीत पाएगी सेमीफाइनल्स में, एंड कौन सी टीम जो है फाइनल पे रीच आउट करती है फ्रॉम द ग्रुप ए। कल दो ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप ए और परसों के लिए ग्रुप बी बनेगा, मतलब सेमीफाइनल के लिए। दोनों ही ग्रुप में दो दो टीम्स होंगी, एंड जिनके बेस्ट ऑफ थ्री या बेस्ट ऑफ फाइव देख लेंगे क्या रखना है क्या नहीं, बेस्ट ऑफ थ्री मेरे हिसाब से तो चल रहा है, बेस्ट ऑफ थ्री रखा जाएगा मैचेस, एंड देखते हैं क्या सीन है। बट फटाफट से पहले तो शेयर कर दो स्ट्रीम गाइस कि ताकि जो प्लेयर्स को वो पता चल जाए कि एलिमिनेशन जो हमारा शुरू हो चुका है। एक बार ग्रुप्स में शेयर कर दो गाइस फटाफट से, एक बार पानी पी लो तब तक। कैन वी हिट दैट 40 लाइक्स ऑन दिस स्ट्रीम, 40 लाइक क्या हमारे आज कंप्लीट हो सकते हैं यहाँ पे? नहीं, फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हो ना एक बार शेयर कर दो यार स्ट्रीम को, ताकि जो हमारे 40 लाइक हैं वो कंप्लीट हो पाए। ओके, मैं स्ट्रीम जो है एक बार डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर देता हूँ जब तक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। शेड्यूल में मैंने फ्राइडे लिख दिया था, बट मैंने सुबह ही मैसेज कर दिया था बजरंग दल को, उन्होंने ओके भी बोल दिया था, पता नहीं मैंने शेड्यूल में कैसे गलती कर दी यार, दिमाग फिरक जाता है भाई कभी कभार अकेले बंदे का, क्या ही कर सकता है। ओके, सो मैंने एक वीडियो हाँ डाल दी है, सॉरी जो लिंक है मैंने डिस्कॉर्ड पे भी डाल दिया है, पेस्ट एंटर, ओके डाल दिया मैंने लिंक, फटाफट से आ जाओ गाइस। ओके, नेक्स्ट जन के सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, जी हाँ नेक्स्ट जन के जो प्लेयर्स हैं सारे आ चुके हैं सामने, जो टीम है ओपरेसिव के प्लेयर्स देखने के लिए बनाओ। तो पहले बार बजरंग वाला तो बोल रहा था कि आज उनका प्रॉब्लम है, ब्रो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने सुबह उनको मैसेज करा था, सुबह उनका जो रिप्लाई ओके आया था, सो उनका जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मेरा शेड्यूल कल का सेट है। बट कल सेमीफाइनल करवाने हैं मेरे को तो करवाने हैं। ओके, आ रहे हैं प्लेयर्स, बलू आए हैं, यशो आए हैं, बजरंग दल के लेवेंट आए हैं, बट ये बात रखना है याद गाइस कि कल जो आज प्लेयर्स आ रहे हैं वो कल आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सेमीफाइनल, सेम टीम के साथ, सेम टीम के साथ, अगर सेम टीम सेमीफाइनल में जाती है तो और किसी टीम के साथ नहीं खेल सकते। एंड जो प्लेयर्स हमारे जैसे कि टीम ब्लीज के हैं वो नहीं आ सकते सेमीफाइनल में किसी भी प्लेयर्स के साथ, ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है? सो गाइस प्लीज़ ये ध्यान में रखना है, इन चारों प्लेयर्स की POV चाहिए मेरे को, फाइनल्स जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक POV प्लीज़ संभाल के रखना, चाहे अपने ड्राइव में डाल लेना, चाहे आप अपलोड कर देना YouTube पे प्राइवेट कर लेना, बट चाहिए तो चाहिए भाई सबकी, मतलब अगर मांगूंगा तो संभाल के रखना फाइनल के बाद, फाइनल तक संभाल के रखना, उसके बाद तो मैं आपको पता है दिक्कत ही नहीं होनी कोई भी। चलो ओके, रिफ्लेक्स मॉडल आ चुके हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम द टीम बजरंग दल, एंड बजरंग दल की जो टीम है आ चुकी है सामने, नेक्स्ट जन की भी आ चुकी है, इसी समक्ष जो हमारा मैच है वो आपके समक्ष शुरू शुरू से हो चुका है। लेट्स गो गाइस, फटाफट से शेयर कर दो यार स्ट्रीम को, ओके सो हमारा पहला मैच शुरू शुरू से हो चुका है, पहला जो मैच है बेस्ट ऑफ थ्री होने वाला है गाइस आज, एंड जो भी टीम दो मैच जीत गई, आपको जैसा पता है जो भी टीम दो मैच जीत गई वो विनर होगी हमारी ये राउंड्स की, जो हमारा एलिमिनेशन राउंड है उसकी। एंड देखने वाली बात रहेगी, दोनों ही टीम्स बढ़िया हैं, आपकी जो टीम बजरंग दल है वो भी बढ़िया, टीम नेक्स्ट जन है वो भी आपको ख़तरनाक टीम देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है। एंड इसी समक्ष जो प्लेयर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, चार सेकेंड में स्टार्ट होने वाला है, 1-0 एंड स्टार्ट, जस्ट गो, लेट्स गो गाइस, क्या होता है देखने वाली बात रहेगी। ओ विनर चिकन, ये क्या, ये क्या था, ये क्या था, विनर चिकन नहीं होगी भाई, टीम चिंता ही।
आई डोंट नो व्हाट इज वापस से रीपर का एंट्री लिया ही नहीं. क्या कर रहे हो यार ऐसा, चुतिया मत करो भाई. मैं ऐसे तो फिर आपको वो दे दूंगा यार, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बैन दे दूंगा. रुको गाइस, दो मिनट रूम बनाता हूँ गाइस, दो मिनट रुको. माइक मेरा ऑन है. अरे यार कैंसिल होना भाई. भाई ऐसा मत करो, नेक्स्ट जन भाई अगर ज्वाइन करो जिस बंदों के साथ वो ज्वाइन कर गए तो कर गए भाई, ऐसा गलत काम मत करो मेरे साथ. आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई मिल जाएगा उल्टा. फालतू में रूम वेस्ट करा रहे हो यार, पैसा दिया है का तुमने? दिया है वैसे तो. ओके सेम आईडीपी, जल्दी आओ ज्वाइन करो. भाई मेरे को नहीं पता, अपने प्लेयर्स को बुलाओ जो जो है, ठीक है जल्दी से बुलाओ. बलू ओपी एंड्रॉइड नहीं, तुम्हारा 5 GB की 20 मिनट की रिकॉर्डिंग होती. क्या बोल रहा है, 5 GB की 20 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है? तो भाई मैंने कौन सा बोला है, तो 4K पे कर. मैंने कौन सा बोला है, 1080p पे करो, 720p पे कर लो. बिटरेट कम रख लो, ऐसे रख लो बिटरेट की बात दिख सके. नेक्स्ट जन लेफ्ट, हाँ ग्लिच नहीं, ग्लिच नहीं है. थ्री मैन थे. पता नहीं यार क्यों ज्वाइन क्यों नहीं करे, बट चारों प्लेस तो देखने के लिए मिल रहे थे मेरे को. अच्छा मतलब मैच में ज्वाइन नहीं कर पाए वो. अच्छा ऑफलाइन क्यों होते हो फिर? चलो ग्लिच हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं गाइस. फटाफट से शेयर कर दो स्ट्रीम को जितने भी लोग देख रहे हो, 14 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो गाइस. शेयर कर दो एक बार, कैन बी दैट 20 की वॉचिंग, फटाफट से जो शेयर कर दो यार स्ट्रीम को, लेट्स गो गाइस. हमारे जो बंदे आ चुके हैं फिर से अभी, ठीक है ना. नेक्स्ट जन रीपर FTW लेजेंड सॉरी लेवेंट यशो रिफ्लेक्स मोटर एंड बल्लू, लेट्स गो गाइस. अभी कोई भी एग्जिट मत करना, जो भी टीम एग्जिट करी मैं उनको हारा हुआ मानूंगा. मेरे को नहीं पता चाहे उसका बंदा ज्वाइन करा है नहीं करा है, उनकी दिक्कत है, उनकी प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं पता भाई. रीपर का एंट्री नहीं होना, कैन नॉट एंटर अ मैच दैट हैज ऑलरेडी एंडेड. एंडेड तो होना ही था. ओके मेरे को नहीं पता ब्रो अब क्या दिक्कत है उसकी क्या नहीं. अभी भी 3 players हैं एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरा रूम जो है वो वेस्ट हो, ठीक है ना. 3 player हो, तीनों प्लेयर्स के साथ खेलो, आई डोंट नो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तीनों प्लेयर्स के साथ खेलो भाई. नेक्स्ट जन भाई कोई भाई बंदी नहीं है इधर एंड कुछ भी नहीं है, आपको खेलना ही पड़ेगा इन प्लेयर्स के साथ, तीनों प्लेयर्स के साथ. ओके सो यहाँ पे राउंड शुरू से हो चुका है, तीनों प्लेयर्स आ चुके हैं. रिथ्वी नेक्स्ट जन 47 एंड रिएक्शन यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाले. प्लेयर्स की बात कर जाए, लगातार शॉट्स आते जरूर से दिखाई देने वाले. 47 के ऊपर यहाँ पे एक क्रिएट करा गया है एंगल एंड उनके ऊपर जो शॉट्स लिए जरूर से गए बल्लू के द्वारा, यहाँ पे नेट करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है. रिथ्वी इन द मीनवाइल उनके द्वारा यहाँ पे नेट करा जरूर से जाएगा यशो के ऊपर, बट फिलहाल यशो के ऊपर वो जो नेट है वो क्रिएट नहीं हो पाया, जो कनेक्शन है वो क्रिएट नहीं हो पाया बट फिलहाल के लिए. बल्लू मॉडल यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के द्वारा एक एक नेट जरूर से करा गया था, बट फिलहाल के लिए जो दोनों ही नेट्स हैं वो कुछ भी कनेक्शन नहीं बना पाए. बट रिथ्वी की बात कर जाए बहुत ही कम मैच भी मेरे को दिखाई जरूर से देने वाले. ये जो प्लेयर हैं डीपी इनके हाथ में, थॉमसन इनके हाथ में, कैसा ये प्रदर्शन रहने वाला है, ये तीनों प्लेयर्स कैसा जो एक देखने वाला रहेगा प्रदर्शन मिलेगा या फिर नहीं. ओके बल्लू को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया, फिनिश आउट कर दिया गया. 3v3 की सिचुएशन फिर से बना दी गई है, 4v3 की सिचुएशन थी बट 3v3 में बदल जरूर से दी है. रिएक्शन की बात करी जाए उनके द्वारा यहाँ पे वो प्लेयर को फिनिश आउट भी कर दिया गया, एक किल पॉइंट अपने खाते में डाला जरूर से, जो कि पॉइंट मिलना नहीं है किल का. यशो इन द मीनवाइल राइट साइड में उनको नॉक करने की दरकार जरूर से रहने वाली हमारी रिएक्शन भैया की, क्योंकि उनके प्लेयर्स के द्वारा एक जो है अच्छा कॉल आउट जरूर से दिया गया. एंड इसी समक्ष रिफ्लेक्स मॉडल को एक नॉकआउट मिलता हुआ दिखाई देने वाला, यशो के ऊपर यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है बट फिलहाल रिएक्शन थोड़ा चार्ज करते हुए दिखाई देने वाले. प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करा गया है, एक नॉक अगर आ गया टीम बजरंग दल का तो दिक्कतें जरूर से बन सकती है, बट फिलहाल टीम नेक्स्ट जन की बात कर जाए वो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो एक राउंड है फर्स्ट मैच का वो हारते हुए दिखाई जरूर से देने वाले हैं. ओके सो यहाँ पे मैच जरूर से हार चुके हैं, हमारे पहला जो राउंड है वो हमारी जो विजेता है टीम
बजरंग दल जरूर से रहने वाली रिएक्शन की बात कर जाए, उन्होंने एक नॉकआउट करा जरूर से, दूसरा नॉकआउट करने में सक्षम नहीं हो पाए, बट फिलहाल रिफ्लेक्स मोड के द्वारा एक अर्ली नॉकआउट देखने के लिए मिला टूवर्ड्स द टीम नेक्स्ट जन। रिएक्शन की बात कर जाए उनको यहाँ पे नॉकआउट दिया गया है। नेड यहाँ पे लगातार आएंगे, मे बी जो नेड्स हैं वो करे जरूर से जाएंगे ये प्लेस के ऊपर, पर फिलहाल के लिए 47 की बात कर जाए, जी हाँ नेड जैसा कि मैंने बोला आएंगे जरूर से, प्लेयर को फिर से नॉकआउट करके जाएंगे। रिथ्वी को अपने आप को हील अप जरूर से करना चाहिए एंड हील अप करना पॉसिबल भी रहेगा, बट फिलहाल 3v4 का ये सिचुएशन है, थोड़ा सा हैंडल करने में मुश्किल जरूर से होगा हमारी टीम नेक्स्ट जन को। प्लेयर को स्पॉट करा जाएगा, नॉकआउट करने की कोशिश जरूर से रहने वाले, बट फिलहाल ये जो राउंड है वो भी यहाँ पे जो हमारी टीम बजरंग दल है वो विन करती हुई दिखाई जरूर से देने वाली है। स्पीकर ऑन ही है, मेरा ग्लिच चेक ओवर आई टी, मेरा आवाज़ ही नहीं आएगा ब्रो, जितना मर्जी स्पीकर ऑन करवा लो चाहे ऑफ करा लो, मेरी आवाज़ ही नहीं आती प्लेयर्स की। मैंने बहुत मेल करे हैं, बहुत बहुत कुछ करके देख लिया, अभी तक सही नहीं हुआ, अपडेट भी आ गया फिर भी सही नहीं हुआ, एंड मेरे को नहीं पता क्या सीन है। बट फिलहाल नेक्स्ट जन की बात करी जाए क्या वो कम बैक कर पाएंगे, बट फिलहाल रिएक्शन की बात कर जाए ओपन एरियाज में जाते जरूर से दिखाई दिए थे एंड नॉकआउट उसी क्षण देते हुए लेते हुए एक्चुअली दिखाई दिए हैं। तीन तीन नेड्स दिखाई देंगे मेरे को जाते हुए वो प्लेस के ऊपर, 47 की बात कर जाए उनके ऊपर नेट जाते हुए दिखाई देंगे। अगर अच्छा कनेक्शन बनाया जरूर से उनको जो है 60 HP लगभग कर जरूर से दिया है, जी हाँ 60 HP कर जरूर से, प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करना चाहेंगे, बट फिलहाल के लिए प्लेयर रिटेलिएशन में नॉकआउट जरूर से हो जाएगा। सोलो प्लेयर रिथ्वी यहाँ पे बचते हुए दिखाई देने वाले हैं, बलू को यहाँ पे स्पॉट करना चाहेंगे, बट फिलहाल जो कवर आउट आता हुआ दिखाई देने वाला है टूवर्ड्स द टीम नेक्स्ट जन के फ्रॉम द टीम बजरंग दल, वो जो थर्ड राउंड है वो भी यहाँ पे जो टीम बजरंग दल जीती हुई दिखाई जरूर से देने वाली है। सोलो जो एक ही राउंड रह चुका है, अगर बजरंग दल वो भी जीत जाती है तो ये विन हो जाता है, बट फिलहाल नेक्स्ट जन को दिक्कतें जरूर से बिकॉज ऑफ चार लगातार अगर राउंड जीतते हैं वो फिर ही कुछ कर पाएंगे, बट 3 men है थोड़ा सा एडवांटेज जरूर से अगली टीम के ऊपर देखने के लिए मिला। ये क्लासिक तो नहीं है बट फिलहाल TDM में सॉरी अरीना में यहाँ पे जो एक एडवांटेज जरूर से देखने के लिए मिलेगी वो टीम्स के ऊपर। तो फिलहाल मिनी का इस्तेमाल जरूर से करा जाएगा हमारी बलू की तरफ से, बट फिलहाल के लिए रिएक्शन की बात करें म्यूटेंट इनके हाथ में देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। अनलकी नेक्स्ट जन ये सब क्या ही कर सकते हैं ब्रो। ओके सो एक नेड जाता हुआ दिखाई देने वाला है, बट फिलहाल दो प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट जरूर से हो चुके हैं, एक प्लेयर फिर से जो रिवाइव जस्ट अभी अभी हुआ था वो दूसरे प्लेयर को रिवाइव आउट जरूर से दिया जाएगा उनकी तरफ से। प्लेयर्स को यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजिंग जरूर से करना चाहिए लेफ्ट एरिया की तरफ कुछ स्मोक वगैरह करके, बट फिलहाल के लिए जो एक यशो को नॉकआउट दिया गया है हमारे प्लेयर्स के द्वारा एक नॉकआउट एक रिवाइव खेलते हुए दिखाई जरूर से देने वाले हमारे टीम बजरंग दल के प्लेयर्स। यशो इन द मीनवाइल वो अभी अभी रिवाइव हुए हैं। मॉर्टल यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। रिफ्लेक्स मॉर्टल को यहाँ पे अगर स्पॉट करा जाता है तो दिक्कतें क्रिएट जरूर से कर सकते हैं हमारे रिएक्शन भैया को यहाँ पे स्पॉट करा गया, एक नेड करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है हमारे रिफ्लेक्स मॉर्टल की तरफ से, एंड नेड करा भी जाएगा वो नेड एक दिक्कतें बना सकता था रिथ्वी के ऊपर, बट काफी कम HP सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले हमको रिथ्वी अपने आप को हील अप करना चाहेंगे, बट 47 की बात करिए अपने आप यहाँ पे नेड अपने ऊपर ही करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि बहुत ही बैड सिचुएशन देखने के लिए जरूर से मिलने वाली है वो टीम के ऊपर। बजरंग दल के यहाँ पे दो प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके हैं, रिथ्वी इन द मीनवाइल सोलो प्लेयर सर्वाइव करते हुए उस एरिया के अंदर 1v1 का ये सिचुएशन। 3 यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हमारी टीम नेक्स्ट जन की तरफ से, बल्लू यहाँ पे सोलो प्ले सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पे रिएक्शन आखिरी खिलाड़ी था, उन्होंने वहाँ पे जो पिक ऑफ करा वो बल्लू को, एंड जो ये राउंड है वो अपने खाते में विन करते हुए दिखाई जरूर से देने वाले। टीम नेक्स्ट जन ये जो फाइट है वो विन कर चुकी है, ये जो राउंड है वो विन कर चुकी है, बट फिलहाल अभी भी खतरा टला नहीं है क्योंकि 3 राउंड अभी भी लगातार उनको जीतने के लिए पड़े जरूर से हैं। बजरंग दल की बात करी जाए एक राउंड उनके लिए रह चुका है, 3 राउंड जो हमारी टीम नेक्स्ट जन के लिए रह चुका है। अगर अभी से कमबैक आता दिखाई दे सकता है हमें नेक्स्ट जन की टीम की तो मे भी बहुत ही रोमांचिक मैच ये वाला होने वाला है आज, जो एक अलग हिस्ट्री जरूर से हो सकती है क्योंकि अभी तक जो है हिस्ट्री बनी नहीं है। बट फिलहाल के लिए एक नॉकआउट और निकल चुका है रिएक्शन की तरफ से, जो एक प्लेयर्स को नॉकआउट जरूर से करा गया है। रिथ्वी को यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजिंग जरूर से करना चाहिए बिकॉज ऑफ एक नॉकआउट है, एक जो प्लेयर है वहाँ पे रिवाइव दे रहा है, बाकी प्लेयर्स यहाँ पे जो एक होल्ड ऑन जरूर से करके बैठे हैं। बट फिर बल्लू इन द मीनवाइल सेंटर ऑफ द मैप जरूर से दिखाई दे रहे हैं, स्मोक करने के कोई जरूर से रहने वाली है वो टीम्स की तरफ से। नेक्स्ट जन इन द मीनवाइल उनके जो प्लेयर स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 प्लेयर्स राइट में, एक जो प्लेयर है सेंटर होल्ड करता हुआ दिखाई देने वाला है। रिएक्शन थोड़ा सा पीछे जरूर से, बट फिलहाल के लिए जो एक जोन है उनके ऊपर ही कट जरूर से चुके हैं। नेक्स्ट जोन की बात रही कि कैसा जो शिफ्ट लेता है जोन थोड़ा सा किस फेवर में होता है, ज़्यादातर तो सेंटर ऑफ द जोन ही, जो सेंटर ऑफ द मैप ही जोन जो हमारी कटती है, बट फिलहाल के लिए टीम नेक्स्ट जन उनके ऊपर लगातार दिक्कतें क्रिएट होती थी दिख रही थी, बट फिलहाल उनके द्वारा 11 को यहाँ पे नॉकआउट करा गया। 11 के ऊपर यहाँ पे किसी प्लेयर को मेरे ख्याल से जाना नहीं देंगे क्योंकि 47 वहाँ पे लगातार ही TPP का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देने वाले, बट फिलहाल के लिए 47 के ऊपर एक अच्छे कनेक्शन बनाए जरूर से। वो प्लेयर यहाँ पे जो यशो है वो जाता हुआ अपने प्लेयर को रिवाइव देने
जरूर से जो एक रिवाइव दिया भी जाएगा। ऋत्वी सॉरी ऋत्वी, हाँ जी ऋत्वी की बात कर जाए, बलू इनके सामने देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं, उनके ऊपर दिक्कतें जरूर से बन सकती हैं क्योंकि बलू के हाथ में वेक्टर है, सामने वाले प्लेयर के सामने भी वेक्टर, हाथ में वेक्टर है, प्लेयर को यहाँ पे देखा जाएगा, स्पॉट करा जाएगा। रिएक्शन इन द मीनवाइल काफी कम है, पता नहीं क्या सीन हुआ बट वो रिएक्शन जो है वो क्रॉस कर चुके थे वो जो एरिया को, बट फिलहाल दो प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव यहाँ पे जोन के द्वारा फिनिश आउट होते हुए दिखाई देने वाले। एंड ये जो विन है वो पहले मैच का जो विन है हमारी टीम बजरंग दल देखते हुए दूसरों से मिलने वाली है। एंड बजरंग दल की जो टीम है वो पूरी की पूरी टीम जीत चुकी है हमारा पहला मैच, इसी समक्ष पहला मैच जरूर से खत्म होता हुआ। तीन राउंड जो पहले जीते थे हमारी बजरंग दल ने, एक राउंड हमारे नेक्स्ट जन ने खींचा और फिलहाल चौथा राउंड जो है फिर से हमारी जो बजरंग दल ने जीत के अपने आप को साबित करते हुए ये पूरा का पूरा जो मैच है वो विन कर लिया। नेक्स्ट जन की बात करी जाए, उनके जो प्लेयर है चार प्लेयर ज्वाइन नहीं कर पाए, बट फिलहाल नेक्स्ट जन की बात रहेगी, नेक्स्ट मैच की बात रहेगी कि अपने जो प्लेयर्स हैं वो ज्वाइन कर पाए। बट फिलहाल वोट आउट के हिसाब से टीम नेक्स्ट जन के 78% चांसेस है बट बजरंग दल के 22% चांसेस है। ये जो मौका है वो बजरंग दल के लिए है कि अपने आप को जो है एक प्रूफ कर पाएँ कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, हम भी वो 22% में नहीं आते, हम भी 78% में आ सकते हैं। सो यार जोन तो एक ही जैसा होता है, हाँ ओपरेसिव गेमिंग आई नो बट कास्टिंग करनी है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई चुप करके तो बैठ नहीं सकता लगातार बोलना पड़ता है भाई। ओके एक और रूम बनाते हैं गाइस, मेरा माइक जो है वो ऑन है एंड जो रूम है वो क्रिएट करते हैं। सेम आईडीपी गाइस, जितने भी लोग देख रहे हो, सॉरी जितने भी लोग रहे हो, जो भी हमारे अरीना स्टार चैलेंज के एलिमिनेशन खेल रहे हैं सेम आईडीपी है। ओके रूम क्रिएट जरूर से हो चुका है फिर से हमारा जो, एंड जो प्लेयर्स हैं उनको ज्वाइन करने बोल दिया जाता है ये। ओके ओके अब कौन सा होगा, अब सेम ही होगा भाई, सेम ही होगा। ओके U4G शैडो की बात कर जाए, वो यहाँ पे देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं मेरे को प्लेयर नेक्स्ट जन की टीम के साथ, सेम है आ जाओ। ओके सो नेक्स्ट जन के जो प्लेयर्स के साथ U4G के शेडो देखने के लिए जरूर से मिलने वाले थे हमको मैच के अंदर, U4G शेडो आए जरूर से। 22 की वॉचिंग आ रही है, लेट्स गो गाइस, कैन वी हिट दैट 30 लाइक्स फटाफट से, जो 30 लाइक का गोल है वो कंप्लीट करवा दिया, कैन वी हिट दैट 40 लाइक्स, 40 नहीं 35 लाइक करवा दो जल्दी से फटाफट से, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा 35 लाइक का जो गोल है वो कंप्लीट करवा दो, लेट्स गो गाइस। मैं पानी पी लूँ तब तक जब तक हमारी जो लॉबी है वो भरती हुई दिखाई देगी, बट फिलहाल प्लीज़ जो रीपर FTW का है उसका जो एक बाहर ज्वाइन हो जाए, 4v4 फेयर फाइट हो जाए। आई डोंट नो क्या सीन है रीपर FTW का, क्या सीन है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू, आई डोंट नो क्या सीन है, बट उस बेचारे का ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें भाई कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ कम्युनिटी में ना एक लॉग है जो कि अपने आप को ना मोटल का 14 समझते हैं कि जैसे वो मोटल है सभी उसी के मानेंगे, छोटी छोटी बात पे बच्चों के जैसे गुस्सा करते हैं ना, अभी आगे नहीं मैं बोलने वाला एंड उसके बाद चलो छोड़ो क्या करना फिलहाल के लिए प्लेयर्स यहाँ पे ज्वाइन जरूर से कर चुके हैं, बलू शेडो एंड लेवेंट एंड यशो देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। इनके जो पिछले प्लेयर थे कौन था इनके साथ, आई थिंक सो यशो थे, लेवेंट थे, बलू थे, शेडो अभी आए हैं ना गाइस, पिछले मैच में कौन था मेरे को ज़रा बताना गाइस स्ट्रीम पे पीछे थोड़ा बैक फॉरवर्ड करके। ओके सो मैच हमारा जो सेकंड स्टार्ट होने वाला है आपके समक्ष, रुक जाओ मैं थोड़ा ना बैक करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन प्लेयर था पिछले मैच के अंदर इनके साथ, मेरे को वो देखना है क्योंकि फिर वो आगे एंट्री नहीं हो सकती उसकी किसी भी टीम के अंदर, अगर ये टीम जाती है तो इसकी टीम के अंदर ही होगी नेक्स्ट नहीं होगी। बल्लू था, यशो था, लेवेंट था एंड रिफ्लेक्स मोटर, ठीक है रिफ्लेक्स मोटर भाई अब से ध्यान रखना आप किसी भी मैच में ज्वाइन नहीं कर पाओगे सिवाय बजरंग दल के साथ।
ओके सो यहाँ पे बलू दिखाई जरूर से देने वाले हैं, चारों प्लेस अभी ज्वाइन जरूर से कर चुके हैं हमारे नेक्स्ट जन के खिलाड़ी। देखने वाली बात रहने वाली है कि ये जो खिलाड़ी है वो इस मैच को विन कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर इस मैच को विन कर देते हैं तो नेक्स्ट एक और मैच होगा हमारा, जिसमें कि फाइनल मैच होने वाला है कि कौन सी टीम हमारी विजेता रहने वाली है, कौन सी टीम जो है हमारे टू मैचेस खेलने वाली है, जो टू मैचेस की विजेता रहने वाली है एंड सेमीफाइनल खेलने वाली है। बट फिलहाल के लिए जो दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं दोनों ही टीम्स के ऊपर, जो शॉट्स लगातार क्रिएट जरूर से करा जा रहा है, शेडो की बात कर जाए उनको यहाँ पे लीड करा जरूर से। बट फिलहाल के लिए लेवन जो है राइट साइड को जाते हुए दिखाई जरूर से देने वाले, राइट साइड को मूव करा है यशो, इन द मीनवाइल वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं बलू एंड शेडो, वो यहाँ पे सेंटर की तरफ से आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले। बट यशो का यहाँ पे नॉकआउट करा गया है की बात कर जाए उनकी तरफ से, एंड एफ टी डब्ल्यू की बात कर जाए रीपर एफ टी डब्ल्यू वो भी राइट साइड में दिखाई देने वाले हैं। नेक्स्ट जन की जो 47 है वो यहाँ पे सेंटर ऑफ द जो मैप देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। रिएक्शन के द्वारा एक और नॉकआउट, दो बंदे नॉकआउट हैं, रशिन होता हुआ दिखाई जरूर से दे सकता है इन प्लेस के ऊपर। 31 लाइक हो चुके हैं, लेट्स गो फॉर द 35 लाइक्स गाइस। जिन लोगों ने भी लाइक नहीं करा फटाफट से जो लाइक का गोल है वो कंप्लीट करवा दो। सामने जो है दो प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले टीम बजरंग दल के, एक और नेट जाता हुआ। रिएक्शन की बात करी जाए क्या उनके द्वारा एक नॉक देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे, नहीं, सोलो प्लेयर सर्वाइव करता फ्रॉम बजरंग दल टीम एंड उनको भी यहाँ पे फिनिश आउट करके जाते हुए दिखाई देने वाले टीम नेक्स्ट जन। चारों प्लेयर्स आए जरूर से एंड धरकार जरूर से रहने वाली ये प्लेयर्स की कि जो प्लेयर्स है उनको पछाड़ा जाए, उनको यहाँ पे 0-4 से हराया जाए। बट फिलहाल बजरंग दल भी कुछ कम नहीं है, पिछले मैच की बात करी जाए तो चलो फेयर फाइट नहीं थी बट अच्छे से खेलते हुए दिखाई जरूर से दिए थे वो प्लेयर्स एंड एक विन उनकी तरफ आता हुआ दिखाई जरूर से दिया था। बट फिलहाल इस बार जो प्लेयर्स को मौका नहीं देने वाले क्योंकि रिएक्शन को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है प्लस फिनिश आउट उसी क्षण कर दिया गया है, बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाले कि वो जो प्लेयर है रिवाइव आउट हो पाए। रिफ्लेक्स मोटल, हाँ पता चल गया, चल सर रिफ्लेक्स मोटल था, अरे पता चल गया भाई, पता चल देख लिया था मैंने, थैंक यू हमें बताने के लिए, मैंने पूछा था आपने बता दिया है, थैंक यू वेरी मच। सुनती है क्या जनता, मुझे लगा था नहीं सुनती भाई। नाइट बोर्ड की बात माना करो, ठीक है जो भी वो बोलता है वो करा करो। ओके सो यहाँ पे 3v4 की ये सिचुएशन देखने के लिए जरूर से मिलने वाले टीम नेक्स्ट जन वर्सेस टीम बजरंग दल। शेडो के द्वारा यहाँ पे जो एक शॉट जरूर से क्रिएट करे जा रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, जो एक लगातार दिक्कतें बनाने की कोशिश जरूर से रहने वाली ये प्लेयर के द्वारा। बट फिलहाल के लिए नेक्स्ट जन की बात कर जाए वो दिक्कतों में है बिकॉज ऑफ उनके जो प्लेयर्स हैं, तीन प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले हैं जिनमें से यशो को यहाँ पे नॉकआउट करा गया है। जी हाँ, यशो को यहाँ पे नॉकआउट शुरू से करा गया है हमारे नेक्स्ट जन के 47 के द्वारा, एक जो स्प्रे आई वो प्लेयर को नॉकआउट लेके जाएगी। 3v3 का ये सिचुएशन दोबारा बनता हुआ दिखाई देने वाला है। शेडो इन द मीनवाइल वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, शेडो के ऊपर यहाँ पे नेड करने की कोशिश जरूर से रहने वाली ये प्लेयर के द्वारा, एक नेड जाता हुआ। बट फिलहाल के लिए प्लेयर को स्पॉट करना चाहेंगे वो प्लेयर ऊपर में दिखाई जरूर से देने वाला है। बट फिलहाल उनके पास वेक्टर थी एंड रीपर जो हमारे अकेले खिलाड़ी बचे हैं अभी देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज ऑफ दो प्लेयर यहाँ पे जो नॉकआउट हो चुके हैं फ्रॉम द टीम नेक्स्ट जन। एक प्लेयर सोलो प्लेयर सर्वाइव करते हुए टीम बजरंग दल के ऊपर यहाँ पे जो एक अच्छा खासा जो एडवांटेज था वो अपने एडवांटेज को अच्छे से कंज्यूम करते हुए दिखाई देने वाले, एक अच्छा जो मेथड उनके द्वारा देखने के लिए मिला एंड पूरी की पूरी जो टीम नेक्स्ट जन है उनको एलिमिनेट करते हुए दिखाई जरूर से देने वाले हैं। राउंड 1-1 दोनों ही टीम्स का जो विन हुआ जरूर से। ये मैच इंटेंस होता जा रहा है गाइस, ये जो मैच है पूरा का पूरा इंटेंस होगा क्योंकि दोनों ही टीम्स खतरनाक टीम्स आपके समझ देखने के लिए मिलने वाली हैं एंड उनके बीच में फाइट जरूर से हैं। बट फिलहाल जीतना तो किसी एक को ही है, अरे रिस्पेक्ट देती है जनता, अरे अरे थैंक यू वेरी मच भाई। ओके रिएक्शन को यहाँ पे फिर से नॉकआउट कर दिया गया है, नेड जाता हुआ शेडो की तरफ से, एक खूबसूरत नेड हो सकता था बट फिलहाल के लिए वो जो नेड है वो कनेक्शन नहीं बनाया पाया, थोड़ा सा पीछे जरूर से रह चुका था। बट फिलहाल प्लेयर को रिवाइव जरूर से दिया गया, एक और नेड आया जरूर से ये प्लेयर के ऊपर, अपने आप के ऊपर जो एक शील्ड लगाई गई है थोड़ा सा कवर आउट जरूर से लेना चाहेंगे। बट शेडो इन द मीनवाइल वो राइट साइड से जो एक क्लोज इन करते हुए दिखाई जरूर से देंगे मेरे को। ओके सो बाकी के प्लेयर्स की बात कर जाए, दो प्लेयर यहाँ पे राइट में अपर एरिया की तरफ देखने के लिए जरूर से मिलने वाले, बट शेडो के ऊपर एक नेट जाता है वो 47 का, उनको नॉकआउट लेके जाएगा। 3v4 का ये सिचुएशन टीम नेक्स्ट जन वर्सेस टीम बजरंग दल। बट फिलहाल के लिए रिएक्शन को एक और नॉकआउट मिल चुका टीम 47 की, सॉरी नेक्स्ट जन 47 को रिवाइव देना रहेगा एक आस्पेक्ट। बट फिलहाल के लिए उनको जहाँ पे जाना पड़ा, बट फिलहाल अपने जो प्लेयर था उनको यहाँ पे फिनिश आउट जरूर से कर दिया है जो एक नॉकआउट करा था। इसी समक्ष टीम नेक्स्ट जन के द्वारा एक और नॉकआउट हो चुका है। 2v4 का ये सिचुएशन है, थोड़ा सा क्लोज इन जरूर से करा जाएगा। रिथ्वी यहाँ पे गए जरूर से, नेड उनके द्वारा करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है। 1 HP सर्वाइव करते हुए रिथ्वी देखने के लिए जरूर से मिलने वाले हैं। 1 HP या 0 HP यार, 1 HP देखने के लिए जरूर से मिलने वाले ये प्लेयर। एक नेड जाता हुआ वो प्लेयर को पिक ऑफ जरूर से करके जाएगा यशो इन द मीनवाइल। बहुत ही कम HP बचे जरूर से उनके ऊपर, अगर रशिन होता है तो गांड फट सकती है यार, बोल ही देता है गांड फट सकती है। बट फिलहाल के लिए वो प्लेयर जो रिवाइव आउट देने में सक्षम जरूर से रह चुके हैं अपने प्लेयर्स को। 3v4 का 3v2 का ये सिचुएशन था जो अभी
1v3 के बीच में बन चुका है। एंड यहाँ पे जो यशो है उनको भी फिनिश आउट मिलता हुआ दिखाई देगा। टीम नेक्स्ट जन हमारा सेकंड राउंड विन करती हुई दिखाई जरूर से देने वाली है। बलू सही प्लेयर है, जरा इसको रेटिंग 2 out of 10। कोबरा वाइटी 0 फक लमाओ। ओके दोनों टीम्स का जो थर्ड राउंड 4 है, सॉरी राउंड 4 है वो शुरू हो चुका है। 3 राउंड खत्म हो चुके हैं पूरे के पूरे मैच से। एंड दो राउंड जो है हमारे टीम नंबर 2 नेक्स्ट जन जीती है, एक मैच जो है हमारे बजरंग दल टीम जीती है, एक जो राउंड है वो बजरंग दल टीम जीती है। वो तो तेरे लिए है ब्रो। करो कॉन्ट्रो करो, गजब बेइज्जती है। करो करो कॉन्ट्रो करो कॉन्ट्रो करो, मेरे को बीच में वैसे ले लेना गवाह के लिए, मैं बोल दूंगा हाँ भाई 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 इसने बोला था ये बोला था। भाई 31 लाइक से 30 लाइक कर दिए भाई, ठीक है हेटर्स गोना हेट मैन। ठीक है भाई, एक तो उनको मेरा चैनल पे सब्सक्राइब भी करके रखना है, मेरे को देखना भी है, ऊपर से हेट करके डिसलाइक भी करना है। तो इससे अच्छा भाई कस्टम भी मत खेलो, प्रैक्टिस भी मत करो मेरी स्क्रिम्स में आके, ना मेरे लाइक करो ना कुछ करो भाई, कान मारो। ओके सो रीपर, सो यहाँ पे रीपर FTW को एक नॉकआउट जरूर से दिया गया है। एंड वो प्लेयर की बात करी जाए उनके ऊपर रशियन जरूर से हो सकता है, बट बलू इन द मीन वाले रिटेलिएशन में वो भी नॉकआउट हो चुके हैं। 3v3 का ये सिचुएशन बनता हुआ दिखाई देने वाला, बलू को यहाँ पे फिनिश आउट करा जाता है। बलू का खुद का नेड वो जो पड़ता हुआ दिखाई दे सकता था एंड दे चुका है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ प्लेयर के द्वारा नेड करा जा रहा था एंड उसी क्षण उस प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट दिया गया। यशो यहाँ पे प्लेयर बचते हुए 4v3 की जो सिचुएशन है वो बनती हुई दिखाई देने वाली है टूवर्ड्स द टीम नंबर 1 एंड टीम नंबर 2। कोबरा 6.9 out of 10, जो पेन खाते उनको 0 रेटिंग देता ड्रोन। ओके यहाँ पे एक और नॉकआउट हो चुका है 2v4 का ये सिचुएशन फॉर द टीम नेक्स्ट जन वर्सेस टीम बजरंग दल की बात करी जाए तो फिलहाल बजरंग दल के ऊपर दिक्कतें जरूर से होने वाली है क्योंकि 11 को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। यशो यहाँ पे सोलो प्लेयर सर्वाइव है, उनको भी यहाँ पे नॉकआउट करके फिनिश आउट करा जाता है। एंड राउंड जो ये भी है वो भी विन करके जाते हुए दिखाई जरूर से देने वाले डाकू गेमिंग ड्रोन। एक मिनट कितनी ऊपर तक ये ड्रोन जाता है वो देखता हूँ, बट फिलहाल चारों प्लेयर्स दोनों ही टीम के सर्वाइव। 5th राउंड जो है हमारा शुरू से हो चुका है, प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश जरूर से रहने वाली है। एक जो दरकार जरूर से रहेगी हमारे बजरंग दल की टीम की, बिकॉज ऑफ उनको पता है यहाँ पे जो एक जीतना जरूर से चाहिए ये जो राउंड है। एंड इसी समक्ष नेक्स्ट जन की जो टीम है उनके ऊपर दिक्कतें जरूर से क्रिएट करते हुए दिखाई देने वाले। एक नॉकआउट दिया गया है यशो एंड बलू के द्वारा, वो नेड करा जरूर से जाएगा वो टीम के ऊपर, नेड गया है बट कोई भी दिक्कतें नहीं बनी हैं क्योंकि नेड जो है वो कैंसिल कर दिया गया था वो प्लेयर के द्वारा। रीपर FTW एंड रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे नेड जरूर से जाएगा, बट फिलहाल यशो के ऊपर वो जो नेड गया है वो दिक्कतें जरूर से क्रिएट कर सकता था, बट शेडो का इतनी दूर नेड आता हुआ ऑन द टीम नेक्स्ट जन के रिएक्शन के ऊपर एंड उनको यहाँ पे नॉकआउट करके जाता हुआ दिखाई जरूर से देने वाला। वो प्लेयर को अपने आप को जो एक कवर में जरूर से लेके जाना चाहिए, बट फिलहाल शेडो यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। 3v3 का ये सिचुएशन बन चुका है एंड अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारी टीम नेक्स्ट जन के खिलाड़ी। अगर प्लेयर को रिवाइव देते थे 4v3 के सिचुएशन में बदल जरूर से सकते हैं, ये पूरी की पूरी सिचुएशन अपने हक में जरूर से कर सकते हैं एंड अपने खाते में एक जो एडवांटेज जरूर से डाल सकते हैं। एटम ओप्रेसिव गेमिंग को गाली में 5 ID से लाइक करता, गाली दे मैं 5 ID से लाइक करता, नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं ब्रो ऐसी लाइक की जो किसी को गाली दे के आए। ओके सो यशो इंदामीन वाले यहाँ पे 3 प्लेयर अभी भी टीम बजरंग दल के, 11 बहुत कम HP, यशो को यहाँ पे नॉक करा गया है काफ़ी कम HP, रीपर FTW बचते हुए दिखाई देने वाले हैं। अपने आप को हील जरूर से करना चाहेंगे। ऋत्वी के द्वारा एक और नॉकआउट देखने के लिए मिला, सॉरी रिएक्शन के द्वारा नॉकआउट देखने के लिए मिला। 11 सोलो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पे फिनिश आउट करा जाएगा, टीम बजरंग दल को पछाड़ा जाएगा हमारे सेकंड मैच के अंदर। एंड थर्ड मैच आपके समक्ष देखने के लिए जरूर से मिलने वाला, बिकॉज ऑफ एक मैच जो हमारी टीम बजरंग दल, एक मैच जो हमारी नेक्स्ट जन की टीम जीतती हुई दिखाई देने वाली है। थर्ड मैच के अंदर पूरा का पूरा जो है वो रहने वाला है डिसीजन कि कौन सी टीम जो है आज एलिमिनेशन राउंड में एलिमिनेट होती है एंड कौन सी टीम जो डोमिनेट करके जाती है सीधा ही हमारे सेमीफाइनल्स के अंदर, एंड किन की फाइट होती है हमारे V4 के साथ। इन दोनों टीम्स के साथ जो भी बसड़ होगी, इन दोनों टीम्स में जो भी बसड़ होगी वो सीधा जाएगी हमारी टीम V4 के साथ फाइट लेने, क्योंकि पहले राउंड के जो विजेता थी एंड दूसरे राउंड के जो विजेता थी वो जो टीम थी हमारी टीम स्लिम वाइटी एंड टीम मे बी मेरे को देखने के लिए मिली थी कौन सी टीम थी सिंक्रोनाइज। इन दोनों का कल मैच होगा हमारा सेमीफाइनल, परसों जो मैच है हमारा V4 वर्सेस टीम
जो भी अभी जीतेगी उनका होने वाला, ठीक है। सो लोगो प्लीज से प्रोवाइड कर देना गाइस, लोगो आपका जो लगेगा हमारे थंबनेल के ऊपर। सो प्लीज मेरे को जो लोगो है वो भेज देना अपने ही टीम्स का। सो एक और जो बना देते हैं रूम सेम IDP के साथ एंड प्लेयर्स, यहाँ पे G0 से चुके हैं नेक्स्ट जन के सेकंड राउंड को एंड फर्स्ट राउंड को जो हमारी टीम बजरंग दल जीतती हुई दिखाई जरूर से दी थी। ओके अरीना स्टार चैलेंज, अरीना क्रिएट मैच। ओके मैच हो गया क्रिएट, आ जाओ गाइस ज्वाइन कर लो फटाफट से। भाई एक और, यस एक और यार अरीना का। यार ये कौन बंदा है यार, मैंने क्या अनाउंसमेंट कर दी मेरे को ये बताओ तो पहले। आपके कितने मैचेस हैं अरीना के? अरे भाई कौन है, मेरे को नाम भी नहीं पता यार इसका। अपना बंदा ज्वाइन नहीं कर पाएगा साला, क्या बकचोदी है भाई। एक और जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो विन। ओके सो प्लेज बलो हमारे भैया ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वो प्लेयर पता नहीं कौन था, कौन 623 पता नहीं कौन सा नंबर था उसका, पता नहीं कौन है भाई। चिली बीफ नेक्स्ट जन, ओ माय गॉड WB नेक्स्ट जन। भाई मेरे को ना ये शॉर्ट फॉर्म्स समझ नहीं आती, एक तो पता नहीं NT भी करते रहते हैं ये, WP करते रहे, BT का भी नहीं पता अभी तक तो मेरे को। भाई BT का बताओ यार क्या फुल फॉर्म होती है, ये WP की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे को ये भी बताओ। मेरे को नहीं पता भाई ये शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं समझ आता मेरे को। WP नेक्स्ट जन मतलब वाइप आउट। ये सही है गुरु, ये सही है। मैं मूव करने वाला था पहले बट खुद ही कर लिया इन्होंने। हाँ लेट्स गो गाइस, लास्ट मैच ऑफ द डे, लास्ट मैच ऑफ द एलिमिनेशन राउंड्स फ्रॉम द अरीना स्टार्स चैलेंज। देखने वाली बात रहेगी कौन जो टीम है आज आखिरी ग्रुप में से सीधा जाती है हमारे सेमीफाइनल्स में। फटाफट से देखते हैं, मैच जो हमारा शुरू हो चुका है एंड जो टीम है ज्वाइन जरूर से कर चुके, चारों प्लेयर्स दोनों ही टीम के ज्वाइन कर रहे हैं। बलू यहाँ पे जो है भगते भगते दिखाई दे रहे हैं एंड आखिरी दरकार जरूर से रहने वाली है, आखिरी जो मैच की दरकार जरूर से रहने वाली है प्लेयर्स के द्वारा थोड़ा होल्ड जरूर से करा जाएगा, देखा जरूर से जाएगा कि कौन सी टीम है हमारी जो विन करके जाती है। ओके स्टेडियम के बाहर देख लो भाई सिक्योरिटी देख लो, कितनी कितनी ऊँची ऊँची दीवारें बना रखी है भाई। ओके सो हमारा मैच शुरू हो चुका है एंड 3-2-1-0 लेट्स गो गाइस। हमारा जो मैच है राउंड जो वन है थर्ड मैच का वो शुरू हो चुका है एंड देखने वाली बात रही कौन सी टीम यहाँ पे विन कर पाएगी। नेक्स्ट जन का जो पहला फायर आता हुआ दिखाई देने वाला, यशो का भी यहाँ पे फायर आ चुका है। चार बिहारी सब क्या, अच्छा चार बिहारी सब पे भारी टीम नेक्स्ट जन। अरे अरे भाई 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 भाई, भाई। ये क्या था भाई, BT बैड टाइम, WP वेल प्लेड, NT नाइस ट्राई। ओके यहाँ पे रित्वी हाँ जी नेक्स्ट जन के रित्वी यहाँ पे नॉकआउट जरूर से हो चुके हैं प्लेयर्स के द्वारा। यहाँ पे रशियन जरूर से करा जा रहा है, बलू यहाँ पे नॉकआउट करने में सक्षम रह सकते हैं वो प्लेयर्स एंड नॉकआउट करा जरूर से गया। रिपर FTW की बात कर जाए उनको बहुत ही कम HP करा गया एंड उन प्लेयर को भी यहाँ पे जो नॉकआउट जरूर से करा जाएगा। यशो इंदामीर वाल बहुत कम HP जरूर से है, वो प्लेयर के ऊपर नेट आता हुआ एंड वो प्लेयर को भी नॉकआउट करके जाता हुआ दिखाई जरूर से देने वाला है। 47 के जो नेड आया है, दो प्लेयर नॉकआउट कर दिए हैं बट अपने प्लेयर को भी यहाँ पे जो फिनिश आउट करते हुए दिखाई जरूर से दिए हैं। ऋत्वी की बात कर जाए उनको यहाँ पे अगर फिनिश आउट मिल गया तो दिक्कत जरूर से होने वाले बट फिलहाल 47 को अपने प्लेयर को रिवाइव देना रहेगा एक आस्पेक्ट, क्योंकि 3v2 का ये सिचुएशन बन चुका है। जो प्लेयर है वो रिवाइव आउट जरूर से हो चुके हैं। नेक्स्ट जन के 47 वो यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, प्लेयर 11 को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया रिएक्शन के द्वारा। रिएक्शन यहाँ पे सोलो प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देने वाले, शैडो एंड यशो बचते हुए दिखाई देने वाले। कैसा प्रदर्शन इन प्लेयर के द्वारा रहता है बट फिलहाल प्लेयर को स्पॉट करा उसी क्षण बजरंग दल की जो टीम है राउंड वन विन करती हुई दिखाई जरूर से देने वाले एंड राउंड वन को जो है वो विन कर चुकी है। देखने वाली बात रहेगी क्या जो ये सेम इंटेंसिटी के साथ हमारी बजरंग दल की टीम है
क्या सेम इंटेंसिटी एंड सेम एनर्जी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी यहाँ पे? नहीं, नेक्स्ट जन की बात कर जाए, उनके द्वारा यहाँ पे शॉट्स क्रिएट करे सर उसे गए, एंड एक जो नॉकआउट करने में दिक्कतें, जो एक नॉक करने में जो एक सक्षम रह सकते थे, बट फिलहाल के लिए वो जो प्लेयर के ऊपर दिक्कतें बनाई बल्लू के ऊपर, उनके ऊपर ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं लगी। अपने आप को बिलअप जरूर से करना चाहेंगे, नेड गया उनकी तरफ से, एंड जो नेड है वो दिक्कतें नहीं दे पाया वो पूरी की पूरी टीम को। जो दो प्लेयर राइट में गए हैं ऋतवी एंड रीपर एफ टी डब्ल्यू, उनको यहाँ पर दिक्कतें नहीं है, बट यशो इंदा मीनवाल उनके द्वारा यहाँ पर नेड जरूर से करा जा रहा है, वो नेड उनके ऊपर भी आया, यशो के द्वारा एक नॉकआउट दिया जरूर से गया रीपर एफ टी डब्ल्यू को, बट प्लेयर के ऊपर रशिन होता हुआ ऋतवी इंदा मीनवाल वहाँ पर बैठे जरूर से हैं सोलो, एंड दो खिलाड़ी उनके ऊपर आएंगे, उनको यहाँ पे जो नॉकआउट करने में सक्षम रह पाएंगे यहाँ पे। नहीं, नेक्स्ट जन 47 भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले, वो प्लेयर के ऊपर यशो को यहाँ पे स्पॉट करना चाहेंगे, बट तीन प्लेयर यहाँ पे जो है राइट साइड से आते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसी समक्ष एक अच्छा जो स्ट्रैटेजी में चेंज लाते हुए हमारी टीम बजरंगदल के जो प्लेयर्स है वो देखने के लिए जरूर से मिलने वाले। रिएक्शन यहाँ पे सोलो प्लेयर सर्वाइव करता हुआ दिखाई देगा, प्लेयर को स्पॉट करेगा, एक नॉकआउट करने में सक्षम जरूर से रह सकता था, बट फिलहाल वो प्लेयर को यहाँ पे पहले स्पॉट आउट करा जाता है, पहले नॉकआउट करा जाता है, एंड फिनिश आउट पूरी की पूरी टीम करी जाती है। अभी भी चांसेस हैं कमबैक के फ्रॉम द टीम नेक्स्ट जन, बट फिलहाल के लिए 0-2 का जो राउंड चलता हुआ दिखाई देने वाला है। थर्ड राउंड जो हमारा शुरू से हो चुका है, हमारी टीम नेक्स्ट जन की बात कर जाए, उनको जो स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज शुरू से लेके आना चाहिए, सेम स्ट्रेटजी के साथ खेलेंगे तो दिक्कतें होने वाली है जैसा कि हो चुका है। रिएक्शन को यहाँ पे जो है 47 को यहाँ पे जो है एक नॉकआउट जरूर से देखने के लिए मिला है, एंड उस प्लेयर को यहाँ पे जो है रिवाइव भी दिया जाएगा। नेड जाता हुआ शेडो की तरफ से, वो जो नेड है दोनों ही प्लेयर को लॉकआउट लेके जाएगा। जी हाँ, शेडो को नेड गया, वो प्लेयर को नॉकआउट लेके जाएगा, दोनों प्लेयर 2v3 का ये सिचुएशन, 2v4 का ये सिचुएशन टीम नेक्स्ट जन के ऊपर बनता हुआ दिखाई देने वाला। एक अच्छा जो है टीम हैशटैग थी बजरंगदल FTW, माय गॉड, बजरंग दल की बात कर जाए, उनके द्वारा एक अच्छा कम बैक करते हुए दिखाई जरूर से देने वाले हैं। वो प्लेयर 1v3 यहाँ पे ऋतवी के ऊपर बंद जरूर कर चुका है, प्लेयर को स्पॉट जरूर से करना चाहेंगे, प्लेयर के ऊपर यहाँ पे लगातार दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, एंड एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चेंज जो लेके आए, एक अच्छा कम बैक ये प्लेयर्स का देखने के लिए जरूर से मिलने वाला है ये मैच के अंदर। पहला मैच जो विन करते हुए दिखाई दिए थे ये प्लेयर्स, एंड आखिरी मैच भी विन करते हुए दिखाई जरूर से दे सकते हैं, क्योंकि 4 मैचेस लगातार हमारी टीम नेक्स्ट जन को जीतने होंगे अगर उनको जो ये मैच है वो जीतना है, तो ये जो एलिमिनेशन राउंड है वो जीतना है, तो लगातार दिक्कतें जरूर से क्रिएट करना चाहेंगे। बट फिलहाल स्मोक करा गया है राइट साइड में, बल्लू को यहाँ पे स्पॉट करा जाएगा प्लेस के द्वारा, बट फिलहाल के लिए जो ऋतवी है वो थोड़ा क्लोज इन जरूर से देना चाहेंगे सेंटर एरिया की तरफ। बल्लू लेवन के द्वारा यहाँ पे रीपर FTW को जो FTW कर दिया गया है, उनका जो है फक द वर्ड कर दिया गया है, एंड उसी क्षण बल्लू के ऊपर एक नेड करने की कोशिश जरूर से रही थी ऋतवी की, बट फिलहाल वो सक्षम नहीं रहे। ऋतवी नेक्स्ट जन 47 की बात करें, वो नॉकआउट जरूर से हो चुके हैं। नेक्स्ट जन यहाँ पे जो अच्छा प्ले करते हुए दिखाई देने वाले, एक अच्छा निखरती हुई गेम प्ले दिखाई देने वाली इनकी तरफ से, एंड रिएक्शन के ऊपर लगातार दिक्कतें। ऋतवी इंदा मीनवाल उनके तरफ से यहाँ पे प्लेयर को स्पॉट करा जाएगा, बट क्या वो नॉकआउट देने में सक्षम रहेंगे? जी नहीं, यहाँ पे इसी क्षण जो हमारी टीम बजरंग दल है वो पूरा का पूरा मैच है वो विन करती हुई, पूरा का पूरा एलिमिनेशन है वो विन करते हुए दिखाई देने वाली है। 2 मैच विन कर चुकी है, बेस्ट ऑफ 3 मैचेस हमें देखने के लिए जरूर से मिलते थे, एंड उनमें से हमारी टीम बजरंग दल ने ये मैचेस को विन कर लिया है विद दैट 0-4 के साथ। लेट्स गो गाइस, 0-4 के साथ यहाँ पे विन कर दिया है। अभी क्या लगता है गाइस, 77% हमारा बजरंग दल का होना चाहिए था या फिर नेक्स्ट जन का? गाइस बजरंग दल के 23% आपने करे थे वोट आउट, बट वो अपने आप को प्रूफ करके गई जरूर से, एंड 43 वोट आउट आए थे, लेट्स गो गाइस। बट 43 वोट आउट्स में जितने भी बाकी जो प्लेयर थे 32 लाइक करके गए, 10 लाइक अभी तक नहीं हुए, 40 लाइक हो जाते यार तब तक तो। बल्लू स्ट्रीम स्नाइप है, अरे भाई 1.5 मिनट की स्ट्रीम स्नाइप करेगा ना, ठीक है भाई तू भी क्या बोल रहा है यार, कोबरा अकल है तेरे को साथ भी फेल लॉल। सो आज के जो मैचेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी जो टीम बजरंग दल है वो विन करती हुई हमारे एलिमिनेशन राउंड को, नेक्स्ट जन को पछाड़ा जरूर से गया है। नेक्स्ट जन के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा डोले जरूर से आखिरी मैच के अंदर, जो एक स्ट्रेटजी में चेंज लेके आए हमारे बजरंग दल की टीम, वो एक अच्छा चेंज था, वो एक अच्छा जो क्रिटिकल अटैक उनकी तरफ से देखने के लिए मिला, एक सर्जिकल स्ट्राइक ही कर दी भाई उन्होंने नेक्स्ट जन के ऊपर, तो भाई मतलब 0-4 से हरा दिया उनको, एक गुड सिचुएशन देखने के लिए जरूर से मिला। बट फिलहाल आज के जो मैचेस है वो कंप्लीट जरूर से हो चुके हैं गाइस, फटाफट से कैन वी हिट दैट 35 लाइक, जाते जाते अगर 35 लाइक्स हो जाते तो मज़ा आ जाता, एंड आज जो मैचेस हैं फिनिश आउट हो चुके हैं, कल सेमीफाइनल हमारे शुरू होने वाले हैं। सो लोगो प्लीज़ से सेंड कर देना बजरंग दल भाई जाना, आप भी लोगो सेंड कर देना अपनी टीम का, नाइस BD, यस नाइस बजरंग दल। सो हैशटैग GG हो जाए यार, हैशटैग बजरंग दल GG हो जाए यार चैट में एकदम फटाफट से, जो लोग भी देख रहे हो यार, 17 की वॉचिंग आ रही है, 17 बंदे, एक एक बार जो हैशटैग
जी जी बजरंग दल लिख दो चैट के अंदर। सो आज के जो मैचेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अपन मिलते हैं आपको कल एक नई लाइव स्ट्रीम के ऊपर। स्क्रीम्स आपको पता है डेली होती ही हैं, हमारी जो स्क्रीम्स है वो डेली ही होंगी, 2 स्क्रीम्स आर जो होंगी इस पूरे वीकआउट के दौरान, जो कि संडे तक, संडे को तो वैसे भी मैचेस नहीं होते, सैटरडे तक 2 मैचेस ही होंगे, कल और परसों भी। सो ज़रूर से आना गाइस, ब्रो गाली मत दो, BDWP मेरे को फिर से भूल गया, WP का क्या था फुल फॉर्म यार, वेल पावर, वेल प्लेड, बैड टाइम वेल प्लेड, एंटी मतलब नाइस ट्राई, ओके ब्रो गाली मत दो, किसने दी भाई गाली इधर। ओके सो फिनिश आउट हो चुके हैं मैचेस, आपको मिलते हैं कल एक नई लाइव स्ट्रीम के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर, दिस इज एटम साइनिंग ऑफ। To stop this world from spinning, like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite. Love ain't kryptonite.